चलो हाय गाइस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स कि और कोई बच्चे आ रहे हैं तो वी विल वेट फॉर देम, देन वी विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, पार्ट टू अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ बेटा, वो अभी यूट्यूब वेरिफिकेशन के लिए गया है। सो 5 मिनट के लिए वेट कीजिए, आई विल जस्ट मेक अ फ्यू प्रिपरेशन फॉर मी, देन विल स्टार्ट। ओके, एवरीबडी इज बैक, आई होप सो। सो विल स्टार्ट विद दिस। अब जितने लोग आए हैं उतने आए हैं, जितने नहीं आए वेट तो हम कर नहीं सकते, सो आई विल स्टार्ट। ठीक है, ओके, सो शैल वी स्टार्ट गाइस, एवरीबडी आर यू रेडी? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं जा रहा हूँ अभी रिविजन के लिए, और हम जो सेकंड रिविजन अभी करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग हमारा चैप्टर है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड, कहाँ गया? चलो डन, स्टार्ट करते हैं। मैं भी लाइव सेशन कमेंट्स के लिए ऑन कर दूँ एक बार। ओके लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके, बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं सर फेमा का जो पार्ट आपने डाला वो सर इमिडिएटली बंद हो गया। मैंने बंद नहीं किया सर, आपने प्राइवेट कर दिया, मैंने कुछ ही नहीं किया उसको। कभी भी हम जब 4-5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इट इज़ लाइक YouTube इसका वेरिफिकेशन करता है कि चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक्स ना आए, और मैंने मेरा चैनल सेफ्टी लेवल्स के ऊपर डाल के रखा है कि इसके ऊपर कोई स्ट्राइक्स क्रिएट ना हो, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक हो तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाए। इसलिए YouTube पूरा वेरिफिकेशन करेगा, और जैसे ही YouTube का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में YouTube इसको अलाउ कर देगा। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि लाइव सेशन में मेरे साथ बने रहिए, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो ऑब्वियसली इसके चांसेस है कि आपका लाइव सेशन कंप्लीट होगा। दैट्स वाई मैंने इसके पहले भी इस बारे में वीडियो डाला था, बट अब बच्चे इंस्ट्रक्शन सुन नहीं रहे, क्या करें। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। कितने लोग आ चुके हैं? ओके 550 लोग आ चुके हैं, लेट्स वेट मेक इट 600, विल स्टार्ट। ओके तूफान, वेलकम बैक एवरीवन। चलो सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सर आज कितना भी टाइम लगा दो, इको लॉ कंप्लीट करना है, इसके भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं बेटा। मैं घर परिवार संसार वाला आदमी हूँ, मेरे घर वाले मेरे को बाहर निकाल देंगे। सो टारगेट तो वही है कि इकोनॉमिक लॉ हमको कंप्लीट करना है, पर क्वारंटीन चल रहा है, चलने दो, क्या गई है, हर रोज जाके पढ़ाता जाऊंगा। रिकॉर्डिंग भी अपना है, सेटअप भी अपना है, बहुत ज़्यादा सेटअप इधर उधर मस्ती करके बहुत ज़्यादा तकलीफ लेके सेटअप किया है, वो आप ही के लिए किया है, सो डोंट वरी। चलो लेट्स गो। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं आईबीसी के साथ। पहले मैं आईबीसी आपको पढ़ाऊंगा कंटेंट टू कंटेंट, और एक बार आईबीसी कंटेंट टू कंटेंट खत्म होने के साथ में वी विल गो टुवर्ड्स अवर कंटेंट जो है रिगार्डिंग आईबीसी के कई सारे सिचुएशंस। ठीक है, सो आ जाइए सब लोग, स्टार्ट करते हैं कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोड इन एक्ट, ये मैं नहीं लेने वाला, हमारे नोट्स के अंदर दिया है कोड और एक्ट का डिफरेंस, सिंपली इतना बोलूंगा एक्ट किसी सिचुएशन में या किसी फील्ड के लिए लॉ बनाने को कहते हैं एक्ट, लेकिन किसी एक चीज के बारे में सब कुछ बोलना जाएगा तो उस चीज को हम कहते हैं बच्चों कोड, उस चीज को हम क्या कहते हैं कोड, ये चीज को आपने सिर्फ याद रखना। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में मीनिंग क्या है कुछ टर्म्स का, पहले ये टर्म्स का मीनिंग हमको समझना जरूरी है। सो एवरीबॉडी प्लीज कम ऑन द बोर्ड, कमेंट्स करना कम कीजिएगा अभी, सिर्फ जितने लोगों को क्वेरी है प्लीज उतने ही क्वेरीज यहां पुट कीजिएगा, सॉन्ग वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है लेट्स गो। सो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। बहुत सारे बच्चों को इंसॉल्वेंसी की पता नहीं होता बट फिर भी आईबीसी पढ़ लेते हैं, उनके लिए इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स प्लस यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। इफ यू आर एबल टू पे योर ड्यूज, देखो नॉर्मली हर कंपनी की लाइबिलिटी असेट से ज्यादा ही होती है क्योंकि कंपनीज लोन लेती है, इसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट नहीं होती। लाइबिलिटी इज मोर देन असेट एंड कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स ड्यूज, दे टुगेदर कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। फिर ये इंसॉल्वेंसी अगर ट्रीट होती है तो ऐसे सिचुएशन में बंदा सॉल्वेंट हो जाएगा, लेकिन ये इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड होती है तो बंदा इंसॉल्वेंट रहेगा। बंदा अगर इंसॉल्वेंट रह रहा है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, फॉर नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स एंड फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स। नॉन कॉर्पोरेट मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा, फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स मतलब सिर्फ कंपनीज, एलएलपीज एक्सेट्रा। क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना। या पर्सन विद लिमिटेड लाइबिलिटी, नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स को अगर इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड रहा तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं बैंकरप्सी, हम उसको क्या कहते हैं बैंकरप्सी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन कॉर्पोरेट डेटर्स में अगर इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड रहा तो इस केस में हम उसको कहते हैं लिक्विडेशन। क्या कहते हैं बच्चों बोले एक बार? लिक्विडेशन। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है? ये चीज होने के बाद में अगर हम कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेट करते हैं तो लिक्विडेट करने के पहले एक चीज हम ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो कभी भी किसी कंपनी को एकदम से लिक्विडेट करना अच्छी बात नहीं है, कई साल से चल रही है, कई सारे एम्प्लॉइज के पेट उसके ऊपर पल रहे, वर्कमैन के पेट उसके ऊपर पल रहे, क्रिएटर के बिजनेस चल रहे, डेटर के बिजनेस चल रहे, तो कंपनी एकदम लिक्विडेट करना अच्छी बात नहीं है। दैट्स व्हाई लिक्विडेशन के पहले हम एक ट्रायल करते हैं कि भाई सब कुछ सेटल हो जाए, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और फिर इफ रेजोल्यूशन एंड रिकवरी डज नॉट एग्जीक्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन रिकवरी वर्क नहीं कर पाया, तो सिंपली हम लिक्विडेशन कर देंगे। ये एक अच्छा चार्ट है ये समझने के लिए कि भाई इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और लिक्विडेशन के बीच में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट इज सीआईआरपी। एक बार चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। रॉक रॉक बेटा यहां पर प्लीज स्पैम ना कीजिए, मुझे आपको हाइड करना पड़ेगा वरना। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ये चीज होने के बाद में अब मैं अगले कंटेंट के ऊपर बैठ रहा हूं, ठीक है? 700 लोग वापस आ चुके हैं, वेरी गुड, लेकिन नंबर कुछ 200-300 से कम होता हो दिख रहा है, गई एनर्जी। ओके, डिसेक्शन ऑफ द नेम। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के नाम का डिसेक्शन करते हैं। इंसॉल्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, लाइबिलिटीज मोर देन असेट्स, अनेबल टू पे योर ड्यूज इज सिंपली कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। देन सवाल उठता है व्हाट इज बैंक्रप्सी, तो सिंपली मैं इसको कुछ इस कदर लिख सकता हूं, इसका इक्वेशन मैं खुद बनाना चाहूंगा, आप भी इसको नोट कर लो तो अच्छा है। What is bankruptcy? Bankruptcy means liability is more than your asset plus unable to pay your dues plus untreated, अगर ये untreated insolvency रहा, plus for non-corporate debtors फॉर नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस चीज को कहते हैं बैंकरप्सी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, नोट कर लिया सबने, ये चीज को याद रखना। बैंकरप्सी के बाद में अगला आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन भी सेम, व्हेन लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट प्लस अनेबल टू पे योर ड्यूज प्लस अनट्रीटेड प्लस कॉर्पोरेट डेटर
प्लस सीआईआरपी फेल्योर, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सीआईआरपी फेल्योर है, तो ऐसे सिचुएशन में, ये वीडियो अपलोड होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा, सीआईआरपी फेल्योर, तो ऐसे सिचुएशन में वी कॉल इट लिक्विडेशन, हम इस चीज को लिक्विडेशन कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? मतलब देखो, इसके अंदर अनट्रीटेड इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट डेटर और सीआरपी फेल्योर होना चाहिए, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस वर्क नहीं होना चाहिए। व्हाट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस? सिंपली मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, जुगाड़, जुगाड़ विद क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है उसके साथ जुगाड़ करना, उसके साथ सेटलमेंट कर लेना, इसे हम कहते हैं जुगाड़ विद क्रेडिटर, सीआरपी प्रोसेस, एंटायर आईबीसी इज अ जुगाड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को अच्छे से याद रखना। फिर लिक्विडेशन के बाद में, आईबीसी में लिक्विडेशन के बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का थोड़ा बहुत। अच्छा, नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं कंसेप्चुअल चार्ट के ऊपर, जो आपको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी को बहुत अच्छे से समझाएगा। अब ये चार्ट की तरफ बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है? इंडिविजुअल मतलब नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स मैंने ऊपर दिए हैं, ये आपके समझने के लिए बनाया गया है, नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स, और नीचे मैंने कॉर्पोरेट डेटर्स लिए हैं, ये आपके समझने के लिए मैंने बना के रखा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स है, क्लियर है कंसेप्ट सबको, और नॉन कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंट हुए, उनकी लाइबिलिटी मोर देन असेट है, अनेबल टू पे ड्यूज है, और वो इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड है, तो दिस विल लीड टू बैंकरप्सी, ये बैंकरप्सी हो जाएगा इंडिविजुअल और नॉन कॉर्पोरेट डेटर के लिए। लेकिन कॉर्पोरेट डेटर है, इंसॉल्वेंट हुए, अनट्रीटेड रहा, तो फिर हम ट्राई करते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। देखो, नॉन कॉर्पोरेट डेटर है, लायबिलिटी मोर देन असेट है, क्रेडिटर को पेमेंट भी नहीं कर पा रहा, तो हम क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, मांडवेली करने की कोशिश करते हैं, जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं कि भाई छोड़ दे, इतना ले ले, या फिर तेरा 5 लाख का ड्यू है, मैं तेरे को 10 लाख दूंगा लेकिन 3 साल बाद दूंगा, या तू इंटरेस्ट ज्यादा ले ले, ऐसे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हम करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एक तो आपका सीआईआरपी सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका सेटलमेंट विद क्रिएटर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ये फेल्यूर रहा, तो ऐसे केसेस में आपको लिक्विडेशन करना पड़ेगा। ये बड़ा ही कंसेप्चुअल चार्ट है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सीआईआरपी, व्हाट इज लिक्विडेशन एक्सेट्रा। क्लियर है? आप चाहिए तो इसका फोटो खींच के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। फर्स्ट सेशन हम अपलोड नहीं कर पाएंगे माधव, मैंने ऑलरेडी बोला इट इज सब्जेक्ट टू यूट्यूब एप्लीकेशंस। मैं कितने दिन से ये चीज बोल रहा हूँ, पता नहीं बच्चे इंस्ट्रक्शंस को क्यों नहीं मानते, आई एम नॉट श्योर। चलो डन एवरीबडी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये चीज होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं अगले कंटेंट की तरफ, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्यों। इंडिया में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कई सारे लॉस थे, ये इतने सारे, अब नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, कतई फालतू है ये। प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद में कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्सेट्रा, सर्फेस या कंपनीज एक्ट, इंसॉल्व, फिर ये सभी लॉस को इकट्ठा करके इंसॉल्वेंसी के बारे में बोलने के लिए एक ही लॉ बनाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों का बोलता है, लेकिन हमको सिर्फ कॉर्पोरेट का अप्लीकेबल लेक्चर यहां पे पेपर नंबर 4 में। ये चीज होने के बाद में अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, ठीक है? अब मैं जा रहा हूं कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब पास हुआ, किस तरीके से पास हुआ। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बनाया था डॉक्टर टी के विश्वनाथन ने, जो 4 नवंबर 2015 को अरुण जेटली प्राइम जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको दिया गया, उन्होंने पार्लियामेंट में उसको रेड आउट किया, ज्वाइंट कमेटी ने उसको अप्रूव किया, और 5 मई को उसको लोकसभा ने अप्रूव किया 2016 में, एंड 11 मई 2016 को उसको राज्यसभा ने अप्रूव किया। ये चीज को समझना जरूरी है। 28 मई 2016 को प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने उसको अप्रूव किया, और 19 अगस्त 2016 से और 5 अगस्त 2016 से फेज वाइज मैनर में आईबीसी एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। ये चीज को आपको हो सकता है इसके ऊपर सवाल पूछा है, बिकॉज एक्ट थोड़ा सा नया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए। केशव, मेरी बुक पूरी तरीके से अपडेटेड है, अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखे हैं, मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर नहीं देखे हैं, तो कृपया करके ऐसी कमेंट्स यहाँ पे ना कीजिए, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर और अमेंडमेंट लेक्चर जहाँ का आपका रिकॉर्डिंग वहाँ से लेकर यहाँ तक के आपने देना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी मैंने ये बोला है, वन डे रिविजन लेक्चर में भी मैंने ये बोला है केशव, लेकिन बच्चे इंस्ट्रक्शन सुनते नहीं है, तो अब हम करें क्या। चलो डन एवरीबडी,
समझ में आया सबको? हाँ, है ना। ये चीज होने के बाद में कृपया करके वहां कमेंट करना बंद कीजिए। अगर आपको आईबीसी में क्वेरीज है तो सिर्फ वहां कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेरे को लाइव चैट बंद करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव सेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आईबीसी की क्वेरीज यहाँ पे देख पाए। फालतू की कोई भी चीज़ है, मेरे को फिलहाल एंटरटेन करने के लिए ना समय है, ना ही किसी जो 700 बच्चे देख रहे हैं उनके किसी के पास समय है। सो जो कुछ बच्चे वहां पे जबरदस्ती कमेंट कर रहे हैं, आई स्ट्रिक्टली गिव यू वार्निंग, ठीक है, कि प्लीज स्टॉप दैट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको आईबीसी की क्वेरी है प्लीज पोस्ट द सेम। ठीक है, अगर आईबीसी की क्वेरी छोड़ के अगर मुझे कुछ पोस्टिंग दिखा तो मुझे इस वीडियो से उस बंदे को ब्लॉक करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, मेरे को माफ करना है, इसकी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब मैं जा रहा हूं अगले कंटेंट की तरफ। नेक्स्ट चीज मैं जा रहा हूं, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो प्रिलिमिनरी है सेक्शन 1 से लेकर 3, दूसरा है लिक्विडेशन प्रोसेस जो 4 से 17, तीसरा वाला है बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप 78 से लेकर 187, चौथा वाला है 188 से लेकर 223, एजेंसीज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और पांचवा है मिसलेनियस 224 से लेकर 255। अब हमें जो अप्लीकेबल है दिस इज ओनली पार्ट नंबर 2, 4 से लेकर 77। उसमें भी इंस्टीट्यूट ने बोला है, आईसीआई ने, कि आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अप टू सेक्शन नंबर 60 ही सिर्फ अप्लीकेबल है। अप टू सेक्शन 60 अप्लीकेबल है, वो भी मॉड्यूल में दिया हुआ, तो वही कंटेंट हम यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। ये चीज होने के बाद में सेम चैप्टर स्ट्रक्चर रहा, अगली चीज के ऊपर जा रहे हैं। आईबीसी के अंदर आईबीसी के अंदर अभी हम जा रहे हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे। देखो, हर लॉ में मैंने बताया था क्या क्या फॉलो करना है, हिस्ट्री हो गया है, चैप्टर स्ट्रक्चर हो गया है, अभी हम अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखेंगे। आईबीसी किस दिन आया ये भी मैंने बोल दिया, तो प्रीएम्बल भी कंप्लीट हो चुका है, नाउ ओनली अथॉरिटी स्ट्रक्चर रिमेनिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अथॉरिटी स्ट्रक्चर आईबीसी का दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले अथॉरिटी है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है जुडिशियल अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आईबीबीआई ये बेसिकली बोर्ड है, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो दो टाइप की है, विल सी कौन से। पहले आईबीबीआई, आईबीबीआई फर्दर खुद के पावर डेलीगेट करके रखा है तीन लोगों को। पहला आईपीए, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे, उन्हें हम कहते हैं आईपीएस, क्लियर है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड आईसीएमआई, अपने वाले इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, ये जिन लोगों को पास करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं जिंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम आईपीएस कहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है यूआई, आईयू, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जहां पूरे इंडिया के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का कच्चा चिट्ठा एक जगह पर मेंटेन किया जाएगा, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये डाटाबेस है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का। फिर आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। कॉर्पोरेट अगर इंसॉल्वेंसी है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है, तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपडेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सेक्शन नंबर 407 से लेके 434 है कंपनी एक्ट का, वही यहां पे आया हुआ है, क्लियर है कंसेप्ट। और फिर अगर ये कोई इंडिविजुअल है, फर्म है, एचयूएफ है, एओपी बीओआई है, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपडेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, ये वाला एरिया हमको अप्लीकेबल नहीं है। सो टेंशन लेने की जरूरत इसकी नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसके चाहिए तो आप क्लिक्स करके रखो, पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। मेरे डिफरेंस बिटवीन आईबीसी एंड माइंडिंग अप यहां कवर करने के लिए कोई समय नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। बेटा माइक गौरव में एडजस्ट नहीं कर सकता, आप इसका इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट कीजिए, माइक टेस्टेड वेरीफाइड ओके है, कई सारे वनडे रिवीजन इसी के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ होने के बाद में पिछले वाला का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा सब इंस्ट्रूमेंट सब चीज़ टैली हुआ है, आप आपके हिसाब से आपके इंस्ट्रूमेंट या हेडफोन एडजस्ट कीजिए प्लीज़। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो हो गया सबका, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर अगली चीज जो हमको देखनी है, इट इज रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस किस तरीके से शुरू होता है। ठीक है, मैं पहले प्रोसेस के हिसाब से जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उन सबको पहले समझा दूं। अभी हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के डेफिनेशंस कई कुछ काम के हैं, तो उनको पहले हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए, लेट्स गो। हेलो, ओके। सबसे पहले डेफिनेशन है कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन इज डिफाइंड एज, सबसे पहले इसके अंदर आएगा कंपनी, उसके बाद में एलएलपी, उसके बाद में पीएलएल। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, उसके बाद में एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फिर पर्सन विद लिमिटेड लाइबिलिटी पीएलएल, पर्सन विद लिमिटेड लाइबिलिटी इज पीएलएल। एनी कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज समथिंग टू समवन, हु ओज टू क्रेडिटर विल बी कंसिडर्ड एज कॉर्पोरेट डेटर। ये सिंपल डेफिनेशन है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। नेक्स्ट चीज कॉर्पोरेट अप्लीकेंट, कॉर्पोरेट अप्लीकेंट का डेफिनेशन कतई काम किया, एग्जाम में पूछी जा सकती है, सो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। कॉर्पोरेट अप्लीकेंट का मतलब होता है, पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट डेटर, सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कॉर्पोरेट डेटर। नाउ कॉर्पोरेट डेटर मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, अभी मैंने आपको बताया तीन पार्ट में, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी, दूसरा है एलएलपी और तीसरा है पीएलएल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब इसके बाद में अगर हम देखें, सो कंपनी दूसरा बोला है मेंबर, ठीक है, जो मेंबर है या जो पार्टनर है तो वो दूसरा एप्लीकेंट बनेगा, मतलब कंपनी का मेंबर शेयर होल्डर, एलएलपी का पार्टनर एंड पीएलएल का मेंबर, पीएलएल का मेंबर, ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स में गिने जाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरा है इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड रिसोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, मतलब सीईओ इन केस ऑफ कंपनी। उसके बाद में डेजिग्नेटेड पार्टनर इन केस ऑफ एलएलपी, पीएलएल में वी कैन से मैनेजर। ये पॉइंट नंबर सी में बोला है, ये पॉइंट नंबर बी में बोला है, ये पॉइंट नंबर ए में बोला है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर पर्सन हैज कंट्रोल और सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब उसके बाद में डी वाला एरिया आएगा, दैट इज फाइनेंस सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। उसके बाद में एलएलपी के केस में आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस, और उसके बाद में आएगा फाइनेंस मैनेजर। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, यह है आपका कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डेफिनेशन, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हो गया सबका? नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये मैंने मेरे हिसाब से बोले, इसमें कई सारी जगह पे अगर सीईओ या सीएफओ नहीं होगा तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मली उन्होंने जिस डेफिनेशन में दिया है उसके हिसाब से लिखा। चलो उसके बाद में फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिस पर्सन के खिलाफ आपकी फाइनेंशियल डेट पेंडिंग है, जिससे आपने लोन लिया है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हुआ, जिसने आपको गुड्स या रॉ मटेरियल सप्लाई किया है दैट इज ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये चीज होने के बाद में अगला इज रिलेटेड पार्टी। नाउ रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं फटाफट इसके डायग्राम बना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट सबसे एंड में लेंगे। और आपने अगर रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन छोड़ दी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसको हम वापस रिवाइज नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, सो सबसे पहले अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर है, क्लॉज नंबर ए में बोला गया है कोई कॉर्पोरेट डेटर है, तो उसका कोई भी डायरेक्टर, हम डायरेक्टर के लिए डी वर्ड यूज करेंगे, पार्टनर के लिए पी, या उसका कोई भी रिलेटिव,
जो डायरेक्टर पार्टनर का है, इसको हम रिलेटेड पार्टी में कवर अप करते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर बी, की मैनेजर पर्सन और रिलेटिव और की मैनेजर पर्सन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब यहां पे बी वाला पॉइंट भी हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। सो ए और बी हम कंबाइन करेंगे, कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर पार्टनर और की मैनेजरल पर्सन जिसको मैं लिख सकता हूं मैनेजर, और फिर उसका रिलेटिव, मतलब चार लोग आपको यहां पे काउंट करने हैं, डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर और इन सबके रिलेटिव्स, यह रिलेटेड पार्टी में लिया जाएगा। कॉर्पोरेट डेटर यह रिलेटेड पार्टी में लिया जाएगा इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। दूसरा ए और बी हमारा हो चुका है। पॉइंट नंबर सी, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर, ठीक है। सो पॉइंट नंबर सी, एलएलपी और अ पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अ रिलेटिव और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। सो ऐसा एलएलपी या ऐसा फर्म जिसके अंदर कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर या उसका रिलेटिव, ये किसका डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज पार्टनर इन सच एलएलपी और फर्म, इज पार्टनर इन सच एलएलपी और फर्म, वो एलएलपी और वो फर्म को हम यहां पे मानते हैं बेटा रिलेटेड पार्टी। तो जो मैं पहला पर्सन लिख रहा हूं इस साइड, अब पहला ए और बी छोड़ के जो फर्स्ट पर्सन में इस साइड लिख रहा हूं उसको आपने रिलेटेड पार्टी मानना है। मैं रिलेटेड पार्टी को नॉर्मली बॉक्स करते जाऊंगा, ठीक है, यह चीज को याद रखना। अ प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इज डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद द रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर एंड अलॉन्ग विद रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल। साथ में अ पब्लिक कंपनी, मैं दोनों एक साथ ले रहा हूं, पब्लिक कंपनी ये ई वाला है, ई एफ जी एच, अ पब्लिक कंपनी विच डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द, आपको बहुत अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं दो या दो से ज्यादा पॉइंट कंबाइन कर रहा हूं और ये वन डे रिविजन है, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। सो बड़े अच्छे से ध्यान देके यहां पे पढ़ना, पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज डायरेक्टर एंड अलॉन्ग विद द रिलेटिव और मोर देन 2% ऑफ इट्स पेडअप शेयर कैपिटल। देखो प्राइवेट कंपनी जब बोला तो मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल बोला, पब्लिक कंपनी जब बोला तो मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बोला, बाकी पूरा क्लॉज जैसा का वैसा है। सी सॉरी डी और ई, डी और ई क्लॉज जैसा का वैसा है। सो मैं यहां पे डी और ई को कंबाइन करके ले रहा हूं, एनी प्राइवेट कंपनी और एनी पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर पार्टनर और मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इज डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर, इज अ क्या बोला है, बोले एक बार उसे डायरेक्टर एंड द सेम डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर अलॉन्ग विथ रिलेटिव टूगेदर होल्ड्स इन सच अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दैट इज मोर देन 2% ऑफ इधर शेयर कैपिटल और पेडअप कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो प्राइवेट कंपनी में, पेडअप कैपिटल है तो पब्लिक कंपनी में, अगर आप मोर देन 2% होल्ड कर रहे हो तो ऐसी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, वापस बोलता हूं, ऐसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर एंड अलॉन्ग विद द रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल फॉर द प्राइवेट कंपनी एंड पेडअप कैपिटल फॉर द पब्लिक कंपनी। ये चीज को आपको समझना जरूरी है, ये हो गया क्लॉज नंबर डी एंड क्लॉज नंबर ई, ये चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट ऑन एडवाइस और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पार्टनर ऑफ द मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डेटर के डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर के हिसाब से वर्क करता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका मैनेजमेंट हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से वर्क करता है, तो हमारे रिलेटेड पार्टी हो गया। एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नीचे वाला भी साथ में ले लो, एनी एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म हुज पार्टनर्स और एम्प्लॉइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट एज पर द एडवाइस और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी जिसके पार्टनर हमारे हिसाब से वर्क करते हैं तो हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो गए। सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा क्लॉज नंबर एफ और क्लॉज नंबर जी कंबाइन करते हुए, एनी एलएलपी, ठीक है, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी एलएलपी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज मैनेजमेंट, जिस एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आ सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टनर्स भी आ सकते हैं, हुज मैनेजमेंट अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ
एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉरपोरेट डेटर. एक बार वापस बोल दूं, पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर जी, एनी एलएलपी और फर्म, एनी फर्म और एलएलपी और बॉडी कॉरपोरेट, एनी फर्म एलएलपी और बॉडी कॉरपोरेट हुज मैनेजमेंट दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर इज अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉरपोरेट डेटर. ये चीज को हम यहां पर बोलेंगे रिलेटेड पार्टी. किसको रिलेटेड पार्टी बोलेंगे? इस फर्म एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट को. कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा रिपीट करने के लिए समय नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना. इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन अच्छा होगा, जल्दी समझ में आएगा. सो एफ और जी दोनों हो गए. अगला, एनी पर्सन हुज रिलेटिव्स ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अकस्टम टू एक्ट. ठीक है, सो यहां पर लेता हूं क्लॉज नंबर एच. एनी पर्सन हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस, ऐसा पर्सन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है डायरेक्टर पार्टनर और मैनेजर को, वो भी कॉरपोरेट डेटर के, एंड दे एक्ट एज पर सच इंस्ट्रक्शंस. तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन का वट चल रहा है कॉरपोरेट डेटर में, तो ही विल बी अ रिलेटेड पार्टी. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. तो यहां पे क्लॉज नंबर एच भी खत्म हो गया. क्लॉज नंबर आई, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट बोला है विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ विच द कॉर्पोरेट डेटर इज सब्सिडरी. मतलब सिंपली होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर के लिए फॉर द पर्पज ऑफ रिलेटेड पार्टी. फिर उसके बाद में एनी पर्सन हु इज हु कंट्रोल्स मोर देन 20%, कंट्रोल मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट, ऐसा पर्सन जो 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करता है, ऐसा पर्सन जो 20% से ज्यादा वोटिंग राइट को कंट्रोल करता है इन द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग एग्रीमेंट. क्लियर है? और उसके नीचे वाला भी एक साथ लेते हैं कि एनी पर्सन इन होम कॉर्पोरेट डेटर कंट्रोल्स मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग राइट ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप एंड वोटिंग एग्रीमेंट. मतलब क्लॉज नंबर जे और क्लॉज नंबर के वाइस वर्सा है. कोई भी पर्सन जो 20% वोटिंग पावर ले रहा है कॉर्पोरेट डेटर में, कॉर्पोरेट डेटर में 20% वोटिंग पावर ले रहा है, या ऐसा पर्सन जिसके अंदर कॉर्पोरेट डेटर 20% वोटिंग पावर ले रहा है, ऐसे सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में वो पर्सन जो एक तो पावर रख रहा है और जिसके अंदर पावर है वो रिलेटेड पार्टी में गिना जाएगा. जे और के का मतलब यही है. अगला, एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ करेस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ऐसा पर्सन क्लॉज नंबर एल, पर्सन हु कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. गवर्निंग बॉडी क्यों बोला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली लगता है कंपनी में, गवर्निंग बॉडी लगता है नॉर्मली एलएलपी में. तो जो पर्सन कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी में गिन लेंगे. यहां ये पर्सन जो है वो रिलेटेड पार्टी है. क्लियर है? लास्ट में क्लॉज नंबर एम में तीन क्लॉजेस है. एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. सो क्लॉज नंबर एम को मैं डिवाइड करूंगा तीन पार्ट में. पर्सन इन पॉलिसी मेकिंग, कॉर्पोरेट डेटर के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने के लिए ये इन्वॉल्व था, तो रिलेटेड पार्टी है. हैविंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कॉमन, ऐसा कंपनी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमन है, या ऐसा पर्सन जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरचेंज किए हैं. ठीक है, सो इंटरचेंज है, या फिर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमन है, या तो फिर जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में फंसा हुआ है. यहां आपका रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन होता है खत्म. मैं चाहूंगा यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उल्टा जाएंगे. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट. कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा. अकस्टम्ड एक्ट एज पर द गिवन एडवाइस, जरूर एकदम बेटा, बहुत सही. आशीष बंसल, अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखे नहीं देखे हैं, मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर नहीं देखे हैं, जहां से आपका रिकॉर्डिंग है वहां से लेके अभी तक के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो बुक्स अपडेट नहीं है, कंप्लेंट ना कीजिए. बच्चे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं. पूरे इंडिया में मॉड्यूल अपडेशन का लेक्चर मैं इकलौता टीचर हूँ जिसने दिया है. तो अपनी बुक सबसे ज्यादा अपडेटेड होना कंपलसरी है, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में. तो एक बार आप मॉड्यूल अपडेशन अमेंडमेंट लेक्चर जहाँ से आपका रिकॉर्डिंग है आशीष बंसल, वहाँ से लेकर अभी तक का सब कुछ चेक कीजिए और फिर मुझे बताइए.
क्योंकि मैंने इसके अंदर सब डाल दिया है, मॉड्यूल में जितनी चीजें सब डाल दी है इसके अंदर। हाँ, अगर वो आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं होगा तो अपने भी मॉड्यूल में नहीं होगा। चलो डन। उसके बाद में पिछले भी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, सॉरी। हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। इट्स मोर देन टू डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स मोर देन टू डायरेक्टर्स, मतलब तीन डायरेक्टर कॉमन में होने चाहिए। यहाँ मोर देन टू डायरेक्टर्स है, सो हम भी मोर देन टू डायरेक्टर्स ही लिखेंगे, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन एवरीबॉडी। ये भी वाला ड्रॉ कर लो, ये भी वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा। पॉइंट एम पूरा कंप्लीट हुआ है विशाल। सिस्टर कंपनी का मतलब होता है अजय, एक ही होल्डिंग की दो सब्सिडरीज एक मेक की सिस्टर कंसर्न मानी जाती है, ठीक है। चलो, ये चीज को अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगली चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं, नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं, एंड नेक्स्ट इज सीआईआरपी प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए मैंने एक बॉक्स चार्ट बनाया है, ये चार्ट पसंद आए तो मेरे को बताना, काफी अच्छा चार्ट बनाया है जिसमें थोड़ा सा सीआईआरपी का काफी कच्चा चिट्ठा आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करना है तो आपने सीआईआरपी के लिए अप्लाई करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कर सकता है, तो एफसी, ओसी, सीडी, ये सबको पता है। एफसी, ओसी, सीडी, एफसी फाइनेंशियल क्रेडिटर, ओसी ऑपरेशनल क्रेडिटर, सीडी कॉर्पोरेट डेटर। ये एप्लीकेशन करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा जो नॉर्मली रहेगा सीए, सीएस या सीए में। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ये चीज होने के बाद में तीसरी चीज हम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को हम फॉर्म करेंगे और कमिटी ऑफ क्रिएटर्स इसके ऊपर वर्क करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में कंफर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स फॉर द अपॉइंटमेंट। अगर कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया तो उसके बाद में जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। लेकिन नॉर्मली इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के बाद मेमोरेंडम की तरफ वर्क करता है, पर यहां पे लिख के रखा है एज अ पॉइंट। फिर ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा उसको हम रिजोल्यूशन प्लान में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करेंगे कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के थ्रू 75% ऑफ वोटिंग से, और फिर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करेंगे। यहां आप 75% वोटिंग पहले दिया जाता था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है 66%। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का अप्रूवल 66% के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको सिर्फ चेक कर लेना थोड़ा सा, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसको अप्रूव करेगा। ये सिनॉप्सिस है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं। अब इसमें से हर एक स्टेप हमारे बड़े बड़े पैटर्न के अंदर डिवाइड होता जाएगा। कंसेप्ट समझ में आए। अब सबसे पहला स्टेप इसके अंदर, अच्छा चाहिए तो आप इसका एक बार ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते। एलएलपी वाले पॉइंट में बेटा सिर्फ पार्टनर और उसका रिलेटिव आएगा, डायरेक्टर भी नहीं आएगा। डेजिग्नेटर पार्टनर, उसका रिलेटिव, डन। रेणु गुप्ता, स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए, अदरवाइज क्वेरी ना पूछिए। चलो, ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। अब एप्लीकेशन, हम पहले एक एक स्टेप से जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। सो एप्लीकेशन कौन कर सकता है, एक तो एफसी कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, या उसी कर सकता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, या कॉर्पोरेट डेटर कर सकता है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर का एप्लीकेशन। फाइनेंशियल क्रेडिटर जब अप्लाई करता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो ऐसे सिचुएशन में आपने याद रखना है वो सिंगली और टुगेदर अप्लाई कर सकता है। जब डिफॉल्ट हुआ तब अप्लाई कर सकता है। उस सिचुएशन में उसको रिकॉर्ड देना पड़ेगा निकाल के इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से कि किस तरीके का डिफॉल्ट हुआ है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम उसको सजेस्ट करना पड़ेगा, और वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है, उसको ही हम इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाएंगे, आईआरपी।
फिर 14 डेज के अंदर एक तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, और बाद में आपको 7 डेज मिलेंगे रीअप्लाई करने के लिए. नॉर्मली आपको प्लस 7 डेज मिलते हैं रीअप्लाई करने के लिए आफ्टर 14 डेज ऑफ रिजेक्शन. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. फिर उसके बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिशन करेगा एप्लीकेशन या रिजेक्शन करेगा. अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग होगा अगेंस्ट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, या फिर आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. अगर आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हो तो रिजेक्ट हो जाएगा. तो एप्लीकेशन रिजेक्शन के कितने भी तरीके हो सकते हैं. फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होगा. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू होगा. मतलब आप जो वो 180 डेज गिनते हो और जो आप 90 डेज एडिशनली गिनते हो वो इस दिन से शुरू होंगे जब से आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ. ये चीज होने के बाद में ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा. ऑर्डर कम्युनिकेट करने के बाद 60 दिन के अंदर आपने री एप्लीकेशन करना चाहिए विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन सच एप्लीकेशन एज द केस में बी फाइनेंशियल क्रेडिटर. यहां पे आप ये विद इन 7 डेज में रीअप्लाई कर सकते हो सिचुएशन के लिए जैसे ही आपको सही लगता है. 14 डेज में ऑर्डर आ जाएगा. ये 7 डेज रीअप्लीकेशन के लिए तो इसको मार्क करके रखना. ये है फाइनेंशियल क्रेडिटर का एप्लीकेशन. अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर के एप्लीकेशन के ऊपर जाए तो सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस दिया होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर को कि भाई मैंने तेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई किए, प्लीज मेरे को पैसे दे दे. लेकिन उसने पैसे दिए ही नहीं तो ऐसे सिचुएशन में आपने उसको 10 दिन देने हैं डिमांड लेटर के बाद कि अभी पैसे दे दे वरना तू गया. लेकिन उसमें पैसे नहीं दिए, ना ही उसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया, ना ही उसने पेमेंट ऑफ चेक किया, तो आपका जो बैंक है वो बैंक या फिर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है. तो इस सब चीजों को कंफर्म करना है. 10 दिन खत्म होने के बाद में यू कैन अप्लाई टू एडजुडिएटिंग अथॉरिटी और आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास बैंक का सर्टिफिकेट है. देखो कौन कौन सी चीजें आपको देनी पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है. ठीक है, अ कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट. इनवॉइस का कॉपी आपको लगेगा पेमेंट डिमांड करने के लिए. एफिडेविट बाय ओसी और सीडी, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर बाय ओसी दैट सीडी गिवन नो डिफॉल्ट नो डिस्प्यूट नोटिस. डिफॉल्ट नहीं, नो डिस्प्यूट नोटिस, कि कोई डिस्प्यूट नहीं है इसका नोटिस आपने दिया हुआ है. सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उससे सर्टिफिकेट चाहिए कि कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, या सच अदर इंफॉर्मेशन. मतलब आपने बैंक स्टेटमेंट भी फाइल किया तो भी चल जाएगा, या सच अदर. चार चीजें आपको फाइल करनी है, पहला इनवॉइस, दूसरा एफिडेविट, तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट कोई पैसा नहीं मिला भाई, और चौथा सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड. ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है आपने देखना चाहिए. यह चीज होने के बाद में ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन प्रपोज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ओसी में प्रपोज आईआरपी सॉरी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. अब इसके बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इट डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहले अपील एडमिट हो जाएगा कुछ पॉइंट के बेसिस पे. पॉइंट में मार्क कर रहा हूं अगर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है. दूसरा नो रीपेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट. तीसरा इनवॉइस और नोटिस आपने दिया था. चौथा कोई डिस्प्यूट का नोटिस नहीं है. पांचवा देर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ कोई भी केस नहीं है. अब जब हम यहां कहते हैं, जरा अच्छे से, जब हम कहते हैं कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ कोई भी केस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ना ही वो किसी लिटिगेशन में फंसा है और ना ही वो किसी कंपनी का सीआईआरपी हैंडल कर रहा है. ये दो इंटरप्रिटेशन याद रखना. एडमिशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर एप्लीकेशन इनकंप्लीट है, या आपने फिर रीपेमेंट हो चुका है, या फिर इनवॉइस डिलीवर नहीं हुआ, या नोटिस डिलीवर नहीं हुई, या नोटिस ऑफ डिस्प्यूट दिया है, या आईआरपी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, इस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा. अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. गो फॉर इट फास्ट, मैं पीछे दे रहा हूं. गो फॉर इट फास्ट. ये ले लिया. पीछे नियरली 8-9 बजे तक चलेगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता बच्चों. फिलहाल कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इसका भी ले लो. पीछे 7 डेज रेक्टिफिकेशन ओसी में भी मिलेगा हर केस में. अज्यूम्ड अभिषेक बेटा. पीछे ये भी स्क्रीनशॉट ले लो. एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई झगड़े हुए हैं पेमेंट के रिगार्डिंग. इसको मैंने रेगुलर बेस में बहुत बड़ा डिस्कशन किया है डिस्प्यूट के ऊपर, अभी रिवीजन में बताना मुश्किल है बेटा. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो.
चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई क्वेरी है तो पूछो, बाकी कमेंट्स ना कीजिए प्लीज। ओके लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं। फिर ये तो हो गया एफसीओसी का एप्लीकेशन, फिर आता है सीडी वाला एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट डेटर वाला एप्लीकेशन। इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसी डायग्राम देके रखी है एप्लीकेशन के लिए जिसमें से कुछ घंटा किसी को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। इसमें से सीडी वाला ऑप्शन सिर्फ पढ़ना क्योंकि वही एक है जो हमने कवर नहीं किया। कॉर्पोरेट डेटर अप्लाई कर सकता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, जो कॉर्पोरेट अप्लीकेंट्स है, हमने कॉर्पोरेट अप्लीकेंट का डेफिनेशन देखा, यस और नो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में इंफॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा 14 दिन में एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अगर एडमिशन हो एप्लीकेशन हो गया तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कमेंस होगा, या रिजेक्शन हो गया तो ऐसे केसेस में 7 दिन में आपको डिफेक्ट रेटिफाई करने का मौका मिलेगा। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। चलो ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाऊं। पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में कौन सा पर्सन एप्लीकेशन नहीं कर सकता, यह हमको देखना है। क्लियर है कंसेप्ट? सबसे पहला, ऐसा पर्सन हु इज कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग सीआईआरपी प्रोसेस, जो सीआईआरपी प्रोसेस में अंडर गोइंग है, जिसके खिलाफ सीआईआरपी ऑलरेडी चल रहा है, वो और क्या एप्लीकेशन करेगा। दूसरा, कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड सीआईआरपी प्रोसेस इन लास्ट 12 मंथ्स। तीसरा, कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन लास्ट 12 मंथ्स। चौथा, जो कॉर्पोरेट डेटर लिक्विडेशन में है, ऐसे 4 लोग सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? फिर ये होने के बाद में अपॉइंटमेंट टेन्योर एंड पावर ऑफ, अच्छा इसके बाद में एक और चीज। अब यहां पे एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो गया, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने पे आपके साथ क्या क्या सलूक हो सकता है वो रिवाइज करवा दूं मैं फटाफट। आ जाइए वन नोट के ऊपर, लेट्स गो। ठीक है, अब आपका सीआईआरपी अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है, ये मैं ब्रीफ में ले रहा हूं। दो चार प्रोविजन एक साथ यहां पे कवर होगी, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, चार्ट बड़ा काम का है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीआईआरपी बहुत सिंपल है, सीडी ने डिफॉल्ट किया, कॉर्पोरेट डेटर ने पेमेंट नहीं किया, एफसी या ओसी अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को और सीआईआरपी शुरू होगा। 90% अप्लीकेंट, जो अप्लीकेंट है, फॉर एग्जाम्पल एफसी या ओसी 100 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया, 100 में से 90 लोगों ने बोला कि हमारा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, तो 90% एप्लीकेशन एप्लीकेंट खुद का एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं 14 डेज के अंदर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 14 डेज के अंदर एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई भी अप्रूवल या रिजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर 14 डेज में ये विड्रॉ नहीं हुआ तो एक तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट होगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो अगले 7 डेज में हम रिफर्बिश करेंगे इंफॉर्मेशन, फिर भी एक्सेप्ट हो सकता है नई इंफॉर्मेशन के साथ या रिजेक्ट होगा। अगर दोनों जगह रिजेक्ट हुआ, यहां पे भी रिजेक्ट हुआ, नई इंफॉर्मेशन के साथ भी रिजेक्ट हुआ, तो भैया लिक्विडेशन इकलौता ऑप्शन है। लेकिन अगर एक्सेप्ट होगा, एक तो यहां, एक तो फर्स्ट केस में एक्सेप्ट हो गया या री इंफॉर्मेशन देने पर एक्सेप्ट हो गया, तो आपके साथ कुछ चार चीजें होगी बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, नॉर्मली किसी को नहीं पता, बड़े अच्छे से ध्यान देना। पहला, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते से ही इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा। इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये एक तो एफसी और सीडी बताएगा खुद के एप्लीकेशन के केस में, ओसी के केस में ओसी बता भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है ओसी ना बताए, और अगर ओसी ने नहीं बताया है तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया खुद इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बताएंगे एनसीएलटी को, और आईआरपी 10 दिन में सजेस्ट करेगा और फिर एनसीएलटी उसको इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा। तो एफसी सीडी तो कंपलसरी ही बताएंगे कि कौन होना चाहिए भैया इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ओसी के केस में ऑप्शन दिया है। फिर ये जो आपका इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये पब्लिक नोटिस देगा। किस बात की पब्लिक नोटिस देगा? कि भाई हमने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया है, हमारे कॉर्पोरेट डेटर का नाम है ये, उसका एड्रेस है ये, अथॉरिटी जो इसको कवर कर रही है एनसीएलटी या डीआरटी जो भी है लिखना पड़ेगा। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के डिटेल देंगे, किस कितने लोगों के क्लेम है, क्रेडिटर्स जितने भी क्रेडिटर्स के क्लेम है कृपया करके ये क्लेम हमें दे दीजिए, तो हम क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटल कर पाए। अगर कोई फ्रॉड किया है तो पेनल्टी लगेगी। लास्ट डेट कब तक क्या आप क्लेम्स दे सकते हो, ये डेट डिक्लेयर करेगा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और डेट डिक्लेयर किया करेगा कि अगले 180 दिन में सीआईआरपी कंप्लीट होना चाहिए। यह काम है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का टू गिव दिस पब्लिक नोटिस। फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 180 प्लस 90 डेज का। 180 प्लस 90 डेज टोटल, या मतलब नॉर्मली 180 डेज ही मिलते हैं स्पेसिफिक रीजन में 90, इस बार इसमें अमेंडमेंट आया था। 180 डेज प्लस 90 डेज, ये टोटल सब मिला के
सब मिला के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 270 या 360 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक बार अमेंडमेंट आपने देखना आपको समझ में आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 270 डेज तो यही हो जाते हैं, 180 प्लस 90 आई गेस। ये नियरली उन्होंने बोला है कि 360 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये सब मिला के, मतलब मोरेटोरियम पीरियड सब मिला के, अगर बीच में लिटिगेशन है किसी कभी स्टे ऑर्डर आ गया तो ये सब मिला के ये नियरली 360 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई तो भी प्रोविजन है, हम उसको एक बार अमेंडमेंट रेफर करेंगे, जस्ट वेट फॉर इट। लेकिन इसमें अमेंडमेंट आया है, जस्ट वेट फॉर इट। उसके बाद में मोरेटोरियम पीरियड, जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, जब तक के सीआईआरपी कंप्लीट नहीं होता तो सभी पेंडिंग लिटिगेशन, सभी प्रोसीडिंग, सभी चीजें 180 दिन के लिए स्टॉप हो जाएंगे। सिर्फ वही चीजें शुरू रहेगी जो कंपनी चलाने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जरूरी है, या जिसको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने मैनेजमेंट के थ्रू चलाने की बात की है, क्योंकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अथॉरिटी, तो दे कैन टेल कि कौन सी चीजें चलनी चाहिए। इसे हम कहते हैं मोरेटोरियम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये चार चीजें आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही होगी, ये चीज को याद रखना, बड़े बच्चों को ये पता नहीं होता, सो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट, बड़ी काम की चीज है। थ्री थर्टी डेज बराबर है, सबने बोला यहां 330 डेज, तो 330 डेज है बेटा अमेंडमेंट के हिसाब से, मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में पढ़ाया था शायद। 330 डेज, बहुत बढ़िया सब लोग। उसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है सब जो पढ़ा रहा हूं आईबीसी? अगर हाँ 330 डेज समझ में आ गया बच्चों, इतने सारे लोग मत लिखो, आ गया समझ में, आगे समझ में अगर आ गया है आईबीसी तो नीचे यस करके कमेंट करना, मतलब मेरे को समझ में आएगा कि स्पीड वगैरह सब ठीक है और प्रॉपरली चल रहा है अपन, तो यस करके कमेंट करना, बाकी कुछ भी मत लिखना, सिर्फ यस करके कमेंट करना, या फिर आप वीडियो को लाइक भी ठोक सकते हो, तो वीडियो के बढ़े हुए लाइक देख के भी समझ में आ सकता है। विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन एज पर अमाउंट, मैंने यहाँ पे 90% एज पर अमाउंट ही बोलना था, पर अभी एक शॉर्ट एग्जांपल बना था इसलिए मैंने प्रोपोर्शनेटली 100 में से 90 ले लिया, पर 90% एज पर अमाउंट ही है बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये होने के बाद में अभी हो गया सीआईआरपी का इफेक्ट, मैंने वो सब चीजें बोल दी जो सीआईआरपी में जरूरी है। अब इसके बाद में जरूरत है ये समझने की कि भैया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वगैरह किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, आ जाइए। So, जैसे मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, इस चीज को एक बार रिपीट कर दूं, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एफसी या सीडी बताएगा कौन बनेगा, ओसी के केस में ओसी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही बनाएगा बोलेगा, जो आईबीबीआई है आईबीबीआई ये बताएगा, अगर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ओसी ने नहीं बताया, अगर ओसी ने बताया तो वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, 10 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसको इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करके अपॉइंट करेगी। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के कुछ ड्यूटीज होते हैं, पहला जैसे ही वो अपॉइंट होता है वो ऑफिस होल्ड करेगा, ये 30 डेज था नवंबर 19 में या मे 19 में इसके अंदर अमेंडमेंट आया था, ही विल कंटिन्यू टिल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड, तब तक ये कंटिन्यू करेगा, पहले 30 डेज था अभी ये टिल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड हो चुका है। इसके कुछ की रोल्स होते हैं, पहला पब्लिक नोटिस ये देगा जो हमने ऑलरेडी पता, रिजोल्यूशन प्रोसेस ये कैरी करेगा, क्लेम्स कलेक्ट करेगा सभी क्रेडिटर्स के जो काफी इंपॉर्टेंट है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा और फर्स्ट मीटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की ये कंडक्ट करेगा, फिर यही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसको इंसॉल्वेंसी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट करती है। दूसरा पावर ऑफ आईआरपी, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट अफेयर डेटर के अफेयर्स को मैनेज करने का पावर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर के पावर्स इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को होते हैं, ऑफिसर मैनेजर के पावर इंटरिम रिजोल्यूशन को प्रोफेशनल को होते हैं। सर क्यों होते हैं? दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस, और सबसे आखिरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंस्ट्रक्शंस को भी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही देता है, ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट और उसके पावर्स, ये चीज को याद रखना। अगला आता है मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख देना। अब मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में कौन होगा, ये चीज बहुत सारे बच्चों को क्वेरी होगी, मैं इसके लिए एक लंबा चार्ट बना के रखा है, ठीक है, ये प्रोसेस है, सीआईआरपी पूरा प्रोसेस है, तो हमको प्रोसेस वाइज ही लेना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चों, आ जाओ। सो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग्स बड़े अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहले इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रिएटर्स बनाएगा एनसीएलटी के साथ मिलकर, अगर एप्लीकेशन एफसीज ने किया है और कॉर्पोरेट डेटर में फाइनेंशियल क्रिएटर्स है, भले ही एप्लीकेशन ओसीज ने भी किया हो ऑपरेशनल क्रिएटर ने, पर अगर कॉर्पोरेट डेटर के पास फाइनेंशियल क्रिएटर्स है तो कमिटी ऑफ क्रिएटर में सिर्फ फाइनेंशियल क्रिएटर्स आएंगे,
जो फिनेंशियल क्रिएटर्स की मीटिंग इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंडक्ट करेगा और 30 डेज के अंदर रिपोर्ट करेगा एनसीएलटी को. जैसे ही सीओसी बन जाएगा 30 डेज में आईआर प्रो शॉल रिपोर्ट टू एनसीएलटी कि भाई कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, मीटिंग ले रहे हैं. कॉरपोरेट डेटर के पास अगर फिनेंशियल क्रिएटर्स नहीं है तो फिर ऑपरेशनल क्रिएटर्स ही बचे, तो कमिटी ऑफ क्रिएटर में कौन आएगा? क्लियर है? 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रिएटर इसमें आएंगे. अगर ऑपरेशनल क्रिएटर का नंबर 18 से नीचे है तो सभी ऑपरेशनल क्रिएटर इसमें आएंगे. एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का रहेगा, नॉर्मली यूनियन लीडर वर्कमैन वगैरह का, और एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा एम्प्लॉइज का. ये समझना जरूरी है. ये रहेगी आपकी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट हो जाए 30 डेज के अगेन अगेन एनसीएलटी को आईआर प्रो बताएगा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूट किया है. फिर कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की फर्स्ट मीटिंग ली जाएगी और फर्स्ट मीटिंग के अंदर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया जाएगा. क्लियर है? और फिर यहां पे क्लेम्स जो है वो टेस्ट किए जाएंगे. फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्लान सजेस्ट करेगा किस तरीके से होना चाहिए, और फिर रिजोल्यूशन प्लान को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सजेस्ट करेगा, और फिर उसको हम रिजोल्यूशन प्लान में कन्वर्ट करेंगे. ये है कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का मीटिंग, और इसको इसी तरीके से आपने समझना चाहिए. गो फॉर इट फास्ट. मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो लेके रख सकते हो, ठीक है? तो समझ में आएगा. एफसी हैज असाइंड डेट टू ओसी, तो ऑब्वियसली ओसी भी एफसी ही बन जाएगा, तो मीटिंग कंडक्ट कर सकता है या मीटिंग में आ सकता है प्रणव भी. हेमू हेलो हाय मत करो, क्वेरी हो तो पूछो प्लीज बेटा. पोस्ट 14 डेज एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो सकता, वो एनसीएलटी अगर बोले तो ही विड्रॉ हो पाएगा बेटा. मोरेटोरियम पीरियड बेटा निरंजन तब तक चलता जाएगा जब तक सीआईआरपी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? तो 330 डेज का और मोरेटोरियम का कोई लेन देन नहीं है. समझ नहीं आया समीक्षा, तो प्लीज पीछे रिवर्स जाइए और वापस से देखिए, रिपीट करना मुश्किल है. फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी विद इन 7 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी. चलो डन. तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना, ठीक है? डेज वगैरह के सब क्वेरीज आपके क्लियर होंगे. एक और प्रोसेस हम लेने वाले हैं. अब एक सवाल उठता है कि सर सीआईआरपी में जितने भी प्रोसीजर्स है, ठीक है, सीआरपी में जितने भी प्रोसीजर्स है, होल्ड वन सेकेंड. ओके, सेक्शन 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी के बारे में बोला गया है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. पहला मीटिंग सीओसी का ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी के 7 डेज के अंदर ही होता है. दूसरा, सीओसी के मीटिंग में रिलेटेड पार्टीज नहीं चलते, जो हमने अभी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन देखी वो नहीं चलेंगे. तीसरा, क्रेडिटर्स जो है वो इक्विटी एंड नॉट इन सीओसी, जो क्रेडिटर्स इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं. ऐसा होता है कि कई बार बैंक वगैरह लोन देती है, बाद में इक्विटी शेयर लेके कन्वर्ट हो जाती है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में वो बैठ नहीं सकते. एफसीओसी कैन अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव और अ ट्रस्टी. रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, और यहां हम प्रोविजन ले रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी के. पहला, वो रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी जो एफसी या ओसी ने अपॉइंट किया है वो गार्डियन माना जाएगा, एडमिन माना जाएगा उस एफसी और ओसी के लिए, एंड ही विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ एफसी और ओसी. उसका रेमुनरेशन एफसी और ओसी के एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा. ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन वोट फॉर एफसी ओसी सेपरेटली. मतलब एक ही रिप्रेजेंटेटिव 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे किंगफिशर को 17 कंसोर्टियम बैंक ने लोन दिया था, 17 के 17 ने एक ही को अपॉइंट किया, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव 17 बैंक्स के लिए अलग अलग वोट कर सकता है, वो भी बैंक्स के हिसाब से, यस और नो कुछ भी. इफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एब्स्टेन, एफसी और ओसी डज नॉट गिव अ कंसेंट. मतलब एफसी ओसी अगर वोटिंग के लिए खुद का कंसेंट नहीं देता तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये एब्स्टेन कर सकता है कि मैं वोट नहीं करूंगा. ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये इंस्ट्रूमेंट फाइल करेगा एफसीओसी के साथ में टू सीओसी
कि भाई इंस्ट्रक्शन फाइल करेगा एफसीओसी के टू सीओसी कि भैया एफसीओसी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है वोटिंग के लिए, सो ये मैं फाइल कर रहा हूँ, प्लीज इसको कैरी कीजिएगा। एंड ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव गिव अ नोटिस एंड एजेंडा टू एफसीओसी। जो भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस या एजेंडा या डिस्कशन या मिनट्स मिलते हैं वो उसने एफसीओसी को देने चाहिए। ये चीज को आपने याद रखना है, फॉर द कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए था स्पेसिफिकली। कोरम वगैरह के परसेंटेजेस सब लोगों के आएंगे, जस्ट वेट फॉर इट, हम परसेंटेजेस सब एक साथ ही देखने वाले हैं, ठीक है बेटा? ये बहुत बेसिक है कृष्णा, आईआर प्रो 14 दिन के अंदर ही अपॉइंट होता है, सबको पता है, बहुत बेसिक है। अगर आईबीसी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो नॉर्मली एक क्वेरी आ सकती है। 90% ही विड्रॉ कर सकता है उमंग एप्लीकेशन। चलो डन, नेक्स्ट। ये चीज होने के बाद में अगली चीज आती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट। सो आ जाइए पीपीटी के ऊपर वापस से। लेट्स गो। सो अभी हम किस तरीके से आरप्रो को अपॉइंट करेंगे, किस तरीके से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 66% अप्रूवल से, कमिटी ऑफ क्रिएटर के अप्रूवल से हम एग्जिस्टिंग इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआर प्रो को ही आर प्रो बना सकते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, या हम एग्जिस्टिंग इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक्सचेंज कर सकते हैं नए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से। जिस भी तरीके से हम ये करें, इनके फंक्शंस कॉमन रहते हैं जो भी आईआर प्रो और आर प्रो आते हैं उनके। सबसे पहला, आर प्रो शॉल कंडक्ट द एंटायर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पूरा सीआईआरपी प्रोसेस खुद कंडक्ट करेगा, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करेगा, बदले में रिप्लाई लेगा, अप्रूव करेगा, सब यही करेगा। दूसरा, आरप्रो शॉल कंडक्ट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ आईआरप्रो। आईआरप्रो के जितने भी पावर्स और ड्यूटीज है वो सब आरप्रो को ट्रांसफर हो जाएंगे, जो हमने पावर्स और ड्यूटीज थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तीसरा, आईआरप्रो शॉल प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आईआरप्रो सभी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा आरप्रो को, जो आने वाला रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ डेटर, ही विल एंटायरली गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ डेटर, और पूरा का पूरा ये जो मैनेजमेंट ऑफ डेटर है वो आरप्रो के हिसाब से ही चलना चाहिए। ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। सेम ही आईबीसी है, लेकिन नीरज 6D में आईबीसी थोड़ा सा ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे सुमिता, उसके बाद 7 डेज में मीटिंग लेंगे, लेकिन एनसीएलटी को रिपोर्ट हमको कॉन्स्टिट्यूशन से 30 डेज में करना है, मीटिंग से 30 डेज में नहीं। डन एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं। चलो, नाउ देर इज अ नीड दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि कितने टाइप के परसेंटेजेस होते हैं इन द केस ऑफ आईबीसी। आईबीसी में कितने टाइप के परसेंटेजेस डिक्लेयर किए जाते हैं, तो आ जाइए। इतने सारे टाइप्स के परसेंटेजेस होते हैं आईबीसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में काफी काम का चार्ट है, नॉर्मली आपको ये कोई देगा नहीं, ठीक है? सो इसको अच्छे से देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अभी अमेंडमेंट में एक और आया था 66% वाला, वो 66% ही था इसलिए कोई टेंशन नहीं था। जैसे सबसे पहले 10%, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेट टोटल डेट के टोटल जितना डेट है कंपनी का उसके 10% से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का नोटिस ये ऑपरेशनल क्रेडिटर को दिया जाएगा। मीटिंग का नोटिस कमिटी ऑफ क्रेडिटर को ऑपरेशनल क्रेडिटर को दिया जाएगा, और वो मीटिंग अटेंड भी कर सकता है पर वो मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। सो सबसे बड़ा ऑपरेशनल डेटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर 10% से ज्यादा है टोटल डेट के, तो ही कैन कम टू मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर जिसमें सिर्फ एफसी होंगे, लेकिन वो बैठ के वोट नहीं कर सकता, सिर्फ बैठ सकता है। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के मीटिंग का जो कोरम है वो हमेशा 33% रहता है, अगर ये नहीं रहा तो मीटिंग एडजर्न होगी। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो एडजर्न नेक्स्ट डे पे होगी, और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं रहा तो हम उसी को मीटिंग मान लेते हैं। इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर हम एडजर्न मीटिंग को ही फाइनल मानेंगे। नॉर्मली कोई दूसरे टाइप का रेजोल्यूशन अगर नहीं दिया है
और कोई रिजोल्यूशन पास करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर में, कोई परसेंटेज नहीं दिया है, नॉर्मल रिजोल्यूशन पास करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर में ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, तो 51% मेजोरिटी वाला अप्रूवल लगेगा। ये 51% नहीं, इसको आप मेजोरिटी पढ़ो। 66% वाला रिजोल्यूशन कब कब लगता है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए लगता है, 180 डेज प्लस 90 डेज। अप्रूवल ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए लगता है। अपॉइंटमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए लगता है। और अभी अभी अमेंडमेंट के अंदर एक चीज आई थी कि इंटरिम जिसके अंदर और 66% रिजोल्यूशन लगता है, यह चीज को याद रखना। 66.67% ये क्रेडिटर्स अप्रूवल फॉर वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए लगता है। हम वॉलेंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि 66.67% अप्रूवल लगता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन में, हम इसको देखेंगे। 75% अप्रूवल लगता है लिक्विडेशन रेजोल्यूशन बाय सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर फेडअप हो गई कि सीआरपी नहीं करना है और वो चाहते हैं कि स्ट्रेट अवे लिक्विडेशन कर दो, तो 75% रेजोल्यूशन वो पास कर सकते हैं। और 90% वाला अप्रूवल लगता है आपके विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के लिए। चार्ट बड़ा ही काम का है, पसंद आया तो ठोको लाइक। नॉर्मली इतने परसेंटेजेस एक जगह पे आपको आईबीसी के लिए नहीं मिलेंगे, सो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। पसंद आया तो बताइए कैसा लगा चार्ट। उज्ज्वल आनंद में कहीं पे भी कुछ भी शेयर नहीं करने वाला, ना स्लाइड्स ना कुछ भी, जो चल रहा है वो अभी स्क्रीन पे चल रहा है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, रिप्लाइज मेरे को मिल गए किस तरीके का चार्ट है। थैंक यू सो मच, मेरे को वही टेंशन था कि समझ में आता है नहीं आता है आपको, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप बैठ के घर पे क्या पढ़ रहे हो खुद ही को मालूम। चलो ये चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना, समझ में आ रहा है तो बहुत भारी अपनी मेहनत वसूल हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं अगले कंटेंट के ऊपर जाता हूँ। ओके, अभी सिचुएशन है कि हम जाए थोड़ा सा लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लिक्विडेशन प्रोसेस किस तरीके से होल्ड करना चाहिए, इसके लिए मैं पीपीटी की तरफ जा रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। वॉलेंटरी लिक्विडेशन और फास्ट ट्रैक सीआरपी मैं लूंगा, जस्ट वेट फॉर इट, पहले आपको लिक्विडेशन प्रोसेस समझा दूं। ठीक है, दिस इज लिक्विडेशन प्रोसेस। आप जब फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान करते हो, जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान फॉर्मुलेट करके देता है अपने एनसीएलटी को, तो एक तो एनसीएलटी रिजेक्ट करेगा, नहीं तो एनसीएलटी अप्रूव करेगा। एनसीएलटी ने अगर प्लान रिजेक्ट कर दिया तो लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो गई तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर होगा, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडेशन ट्रस्ट होगा, कंसोलिडेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स होगा। लेकिन अगर आपका प्लान अप्रूव हो गया तो मोरेटोरियम सीज हो जाएगा। मोरेटोरियम सीज हो जाएगा मतलब सेटलमेंट हो गया, सीआरपी कंप्लीट हो गया, प्लान अप्रूव हो गया, सेटलमेंट कर दो। प्लान करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्लान के हिसाब से वर्क करना टेंशन थोड़ी है। सीओसी ने अप्रूव किया है, कंपनी ने अप्रूव किया है, अगर हमने बोला है कि उनको इतने पैसे देने, दे दो बात खत्म करो, तो मोरेटोरियम सीज हो गया, सीआरपी वर्क हो गया, कंपनी अच्छे से चल पाएगी, कंपनी कैन कंडक्ट ऑर्डिनरी बिजनेस। मोरेटोरियम सीज होगा, प्लान इंप्लीमेंट करने में हम जाएंगे, रिजोल्यूशन प्लान। अब इंप्लीमेंटेशन में भी तकलीफ है, इंप्लीमेंट करते वक्त प्लान अगर सक्सेसफुल रहा, यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इंप्लीमेंट करते वक्त अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो बहुत अच्छी बात है, कंडक्ट ऑर्डिनरी बिजनेस, कंडक्ट ऑर्डिनरी बिजनेस। लेकिन अगर इंप्लीमेंट करते वक्त प्लान अनसक्सेसफुल रहा, क्रेडिटर बोले नहीं मेरे को अब ऐसा नहीं चाहिए, तुम गलती कर रहे हो, या पेमेंट में डिले हो गया, या कोई प्रॉब्लम हो गया, सो प्लान इज अनसक्सेसफुल, तो ऐसे सिचुएशन में इट विल स्ट्रेट अवे लीड्स टू रिजेक्शन एंड विल स्ट्रेट अवे लीड्स टू लिक्विडेशन, तो फिर हम लिक्विडेशन प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। ये चीज को याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबडी, समझ में आ रहा है सबको, बहुत ही बढ़िया। आगे नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपरेशन वगैरह की बात की है, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। रिजोल्यूशन प्लान सबमिशन की बात की है, ये भी हमारा हो चुका है। अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह भी हो गया है। लिक्विडेशन प्रोसेस, अब सवाल उठता है लिक्विडेशन कितने तरीके से शुरू होगा, तो यहाँ पे लिखा है, पहले तो अगर एनसीएलटी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो लिक्विडेशन होगा, आपका प्लान रिजेक्ट कर दिया तो लिक्विडेशन है।
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिसीव अ रिजोल्यूशन प्लान, नॉट रिसीव्ड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, नॉट रिसीव्ड अ रिजोल्यूशन प्लान विद इन स्पेसिफाइड पीरियड तो लिक्विडेशन हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया तो लिक्विडेशन शुरू हो जाएगा। आपने अगर प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो लिक्विडेशन शुरू हो जाएगा। और अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 75% रेजोल्यूशन पास किया, अभी हमने देखा ना 75% रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमको लिक्विडेशन चाहिए तो लिक्विडेशन हो जाएगा। इसके एडिशन में बीच में कहीं प्लान इंप्लीमेंटेशन करते वक्त फेलियर हो जाता है तो भी लिक्विडेशन हो जाएगा। पहले ही सीआरपी का एप्लीकेशन जो किया था वही रिजेक्ट हो गया तो भी प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। दो टाइप के रिजेक्शन है, सीआरपी एप्लीकेशन रिजेक्शन एंड सीआरपी प्लान रिजेक्शन। एप्लीकेशन आने के बाद प्लान रिजेक्ट होगा, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो भी तो लिक्विडेशन होगा। तो इसके भी एडिशन में केस है, अगर सीआईआरपी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गया तो, सीआईआरपी एप्लीकेशन रिजेक्टेड, या फिर दूसरा एक केस हो सकता है इंप्लीमेंटेशन फेल्योर, यह भी हो सकता है। तीसरा फिर नॉर्मल प्लान रिजेक्टेड, चौथा प्लान नॉट रिसीव्ड, पांचवा कॉन्ट्रावेंशन, और छठवा, सिक्स केसेस है लिक्विडेशन में जाने के। ये सिक्स केसेस आपको कोई नहीं बताएगा, छह के छह केसेस बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। नॉर्मली रोहित आउट है, अनसक्सेसफुल हो गया तो प्लान के ऊपर हम न्यू नहीं दे सकते प्लान, क्योंकि इतना समय ही नहीं है, 180 डेज में हमको सब खत्म करना है। निस्वार्थ 90% विड्रॉल हो गया तो रिजेक्ट होगा क्या? 90% अगर एप्लीकेशन विड्रॉ हो गया तो रिजेक्ट प्लान रिजेक्शन नहीं माना जाता, उसको एप्लीकेशन विड्रॉल माना जाता है। फिर उसके बाद में आप हो सकते हो नया एप्लीकेशन कर सकते हो सीआईआरपी के लिए, ये चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना। चलो ये चीज़ होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर मैं बड़े अच्छे से जा रहा हूँ, ध्यान देना। ओके कौन कौन सी असेट ये लिक्विडेशन में कंसिडरेशन में आती है, कौन सी इसमें नहीं आती है? इंस्टीट्यूट ने 2017 के मॉड्यूल में जो अभी तक चल रहा था अगस्त 2019 में, उसमें कंटेंट नहीं दिया था, 2017 के पहले के मॉड्यूल में कंटेंट दिया था, वापस नए मॉड्यूल में कंटेंट आया। मतलब आप सोचो 2017 के मॉड्यूल, 2017 के पहले ये कंटेंट था, 2017 से 2019 में नहीं था, एंड 2019 के बाद वापस आ गया। ऐसे इंस्टीट्यूट करती है, आप इसको टैली कर लेना, ये जो कंटेंट मैं अभी दिखा रहा हूँ ना ये टैली कर लेना। इससे जो भी लोगों ने रिकॉर्डिंग लिए है अक्टूबर नवंबर 2018 से, वहां से लेकर अभी तक जितने भी लोगों ने रिकॉर्डिंग लिया, उन सबको ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है? ये मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर के अंदर भी मैंने दिया हुआ है। कौन सी असेट लिक्विडेशन करते हो काउंट की जाएगी और कौन सी असेट एक्सक्लूड की जाएगी, चार्ट को याद रखना। जो भी असेट कॉर्पोरेट डेटर की है ओनरशिप राइट में वो काउंट की जाएगी। कोई भी कुकुम्बर्ड असेट है, इनकुम्बर्ड, जिसको हम कुकुम्बर्ड कहते हैं प्यार से, कुकुम्बर्ड मतलब आपकी असेट है पर किसी ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा है, उसको भी काउंट करना, वो गवर्नमेंट से सीज करवा लो, एनसीएलटी से। टेंजिबल इनटेंजिबल असेट सब काउंट होगी। असेट इशूड कोलेटरल टू सिक्योरिटी, क्रेडिटर से लोन लिया है आपने, असेट इशू किया है एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज, तो भी उसको काउंट करना है। ऑल प्रोसीड्स विद लिक्विडेशन एज एंड व्हेन दे आर रियलाइज्ड, जितने भी असेट बेच के प्रोसीड्स आते हैं या जितने भी डेटर्स से क्लेम आते हैं या किसी से इंटरेस्ट एक्रूड है, इन्वेस्टमेंट का इनकम एक्रूड है, वो सब प्रोसीड्स हमारे असेट है। कौन से इंक्लूड नहीं किए जाते? जो ओन्ड बाय थर्ड पार्टी है लेकिन कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में, हमने कोई बिल्डिंग लीज पे लिया तो उसको बेच मत देना, वो लेसोर की बिल्डिंग है। पर्सनल असेट ऑफ द मेंबर्स एंड द पार्टनर, पार्टनर के और मेंबर के पर्सनल असेट को मत छूना, लिमिटेड लाइबिलिटी है। असेट्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन सब्सिडरी, सब्सिडरी के असेट्स को मत छूना, उनके असेट्स तुम्हारे नहीं है, सब्सिडरी के अंदर आपने शेयर होल्डिंग लिया है, कंसेप्ट समझ में आया? तो शेयर होल्डिंग बेचो लेकिन सब्सिडरी के असेट्स को नहीं छूना है। असेट्स सिक्योरिटी कोलेटरल हेल्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, पूरा लोन उसके ऊपर कवर्ड है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो प्लीज उसको मत लेना। यहां पर हम सिर्फ वो लेते हैं जो कोलेटरल और एक्सेस है, लास्ट वाला अदर देन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आईबीबीआई, आईबीबीआई ने अगर कोई असेट मेंशन किया है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, गो फॉर इट फास्ट। जय चिचानी 75% है लिक्विडेशन के लिए रिजोल्यूशन पास करना, 66% है सीआरपी अप्रूवल है बेटा, और ये 33% कोरम है, ये कहाँ से आया है? क्यों वहाँ बैठे बैठे झगड़ रहे हो? एक बार खुद कंफर्म कीजिए, मैं भी कंफर्म करता हूँ, डोंट वरी। जय और जागृति, झगड़ो मत बच्चों। और क्यों परसेंटेजेस लिखे जा रहे हो?
चलो ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर जाता हूं, अगला वाला। हाँ, लिक्विडेटर्स के पावर्स क्या है, ये भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो मैं भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये कंटेंट नए मॉडल में थोड़ा सा ऐड हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन कर दूं। लिक्विडेटर हैव पावर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एडमिशन ऑफ द प्रूफ एंड क्रेडिटर्स में डिमांड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विडेटर। मतलब लिक्विडेटर सभी प्रूफ एडमिट करेगा, सबके क्लेम एक्सेस करेगा और एविडेंसेस लिक्विडेटर एक्सेप्ट करेगा और क्रेडिटर को कंफर्मेशन देगा कि आपके क्लेम है। कलेक्ट ऑल द क्लेम एफसीओसी एंड सबमिट द क्लेम, एफसीओसी शॉल सबमिट द क्लेम, एफसीओसी कैन विड्रॉ द क्लेम विद इन 14 डेज। अगर एफसीओसी को लगता है कि उनके क्लेम सही नहीं है तो विड्रॉ भी कर सकते हैं 14 दिन में। वेरीफाई द क्लेम, डिमांड द इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द क्लेम विद इन 7 डेज। क्रिएटर कैन अपील टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 14 डेज। मतलब लिक्विडेटर ने बोला मुझे क्लेम दो, 14 डेज में क्लेम देने हैं, या आप विड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे ही 14 डेज खत्म हो जाएंगे उसका लिक्विडेटर 7 दिन में क्लेम्स को एक्सेप्ट करेगा। सो 14 डेज एक्सेप्टेंस के लिए कि क्लेम एक्सेप्ट हो गए या रिजेक्ट हुए। फिर उसके बाद 7 दिन, सॉरी माय मिस्टेक, 14 डेज लिक्विडेटर देगा कि आप क्लेम्स दो। 14 डेज खत्म होने के बाद में लिक्विडेटर एक्सेप्ट या रिजेक्शन 7 दिन के अंदर कम्युनिकेट करेगा, और फिर उसके बाद में 14 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अगर मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर बताऊं, सो लिक्विडेटर ने डिमांड किए क्लेम, ठीक है, यहां से लेके 14 डेज तक क्लेम उसके पास आते रहेंगे। सो कलेक्टेड ऑल क्लेम, ये 14 डेज के अंदर आप विड्रॉ भी कर सकते हो, हैंड राइटिंग थोड़ी एडजस्ट करना। अगले 7 डेज के अंदर लिक्विडेटर एक्सेप्ट या रिजेक्ट बोलेगा, उसके अगले 14 डेज के अंदर यू कैन प्रेफर एन अपील, ठीक है। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। फिर उसके बाद में क्लेम्स कंसोलिडेट भी हो सकते हैं, किसी का अगर आना बाकी है जाना भी बाकी है तो वो सेट ऑफ भी हो सकता है। ऐसे कुछ पावर यहां पे मेंशन करके रखे हुए हैं। ये चीज होने के बाद में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन आते हैं, और बाकी चीजें तो इसके अंदर नहीं है। हाँ, अब हम आते हैं एक्चुअल लिक्विडेशन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडेशन प्रोसेस में हम क्या पे करेंगे, तो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। दूसरी चीज, अब यहां बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी फर्स्ट प्रायोरिटी, वर्कमैन ड्यूज ऑफ लास्ट 24 मंथ्स सेकंड प्रायोरिटी विद द ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर बोला है एम्प्लॉय ड्यूज अदर देन वर्कमैन ड्यूज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, ये बोला गया है, तो ये चीज को याद रखना, ये थर्ड प्रायोरिटी पे ही रहेगा। यहां पे इन दोनों में कंफ्यूजन है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के डायग्राम में सेम दिया था, ड्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और नीचे दिया था अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर। पर अगर आप बेयर टैक्स देखो तो बेयर टैक्स में अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर इज अ फोर्थ प्रायोरिटी एंड ड्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ फिफ्थ प्रायोरिटी। ये चीज को चेक करना, ये नीचे गया है और ये ऊपर आया है, ये बेयर टेक्स्ट है, ये चीज को याद रखना। और फिर आता है सिक्स प्रायोरिटी में अदर ड्यूज, ये चीज को कंफर्म करना, इसको ऐसा ही मानना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये इंस्टीट्यूट ने गलती किया था, मैंने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया भी है इसको। वर्कमैन दीपिका जो फैक्ट्री में वर्क करता है, एम्प्लॉय जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। अभिषेक, ये तुम्हारे बुक में नहीं होगा, जैसे मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन किया 2017 के पहले ये था और 2019 के अगस्त मॉडल के बाद आया। मॉड्यूल अपडेशन आपने देखा होगा, तो मॉड्यूल अपडेशन नोट्स के अंदर इसमें से कंटेंट दिया हुआ है। वॉलेंटरी लिक्विडेशन और फास्ट ट्रैक, ये हम अभी कवर करेंगे, ये मैंने रेगुलर लेक्चर के अंदर दिया था नमन, और ओल्ड अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर नमन अग्रवाल, ये हमने कवर किया था, बट फिर भी एक बार अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उसके तरफ ध्यान दे सकते हो। ओनरस प्रॉपर्टी वाइंडिंग अप का पार्ट है बेटा, वो नॉर्मली यहां पे नहीं आता है। ओनरस प्रॉपर्टी वैसे भी डिस्क्लेम करते हैं, लेकिन वो वाइंडिंग अप में करते हैं। सागर, 10% ओसी वाला पॉइंट वापस देखिए, रिवर्स करके आपको समझ में आएगा बेटा। 25 और 29 है, क्वेरी ना पूछिए, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। चलो ये हो गया बच्चों, ये है लिक्विडेशन वाला प्रोसेस सिंपली। अब दो कुछ सेक्शन है जो नए ऐड हुए हैं, 25A और 29A, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन दे दूँ ओरली, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेनली दो सेक्शन क्वेरीज में पुट किए जा रहे हैं, तो उसको मैं पहले थोड़ा सा देखूँ। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिन्होंने 25A पूछा है फिर वो रिविजन लेक्चर ठीक से नहीं देख रहे हैं। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैंने ऑलरेडी एक चार्ट के अंदर कवर किया है बच्चों, अगर मैंने कोई चीज चार्ट में कवर की है तो प्लीज रिविजन लेक्चर ठीक से देखो और उसके बारे में क्वेरी ना पूछो। दीज आर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन नंबर 25A, ठीक है, जो यहाँ पे हमने कवर किया है ऑलरेडी।
तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको चाहिए, ये 25 हो चुका है आपका, ठीक है। चलो डन, स्क्रीनशॉट निकाल लिया सबने, हो गया सबका। 29 है हम कवर करेंगे, जस्ट वेट फॉर इट, उसके ऊपर भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले मेरे को थोड़ा सा लिक्विडेशन के प्रोसेस के अंदर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करना है, इसको मैं सबसे पहले फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और वॉलेंटरी लिक्विडेशन कवरअप करवा दूँ, फिर 29A की तरफ जाएंगे क्योंकि उसका थोड़ा सा डिस्कशन आएगा, जस्ट वेट फॉर इट। आईबीसी में अगर आपको नॉर्मल सीआईआरपी करना है तो 180 डेज प्लस 90 डेज, वन टाइम 90 डेज का एक्सटेंशन है, हो जाएगा। लेकिन फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंस सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंस रिजोल्यूशन प्रोसेस करना है तो आप उस कैटेगरीज के कंपनी होनी चाहिए जिसके असेट्स और इनकम सीजी ने दिए गए लिमिट से कम होनी चाहिए, जिसके क्रेडिटर सीजी ने दिए गए लिमिट से कम होनी चाहिए, या आप नोटिफाइड पर्सन होनी चाहिए। ऐसी कंपनीज फिलहाल कौन है तो मैं यहां पर दिया है, ऑल स्मॉल कंपनीज अंडर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने बेसिक लेक्चर 1 वन डे रिवीजन के पार्ट 1 में इसको एक्सप्लेन किया है क्या स्मॉल कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी और एलएलपी और स्टार्टअप जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है इन लास्ट 7 इयर्स, पिछले 7 साल में जिसका 25 करोड़ से कम है वो स्टार्टअप्स कवर किए जाएंगे यहाँ पे। अनलिस्टेड कंपनी हुज टोटल असेट्स आर लेस देन ₹1 करोड़ बुक वैल्यू इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, क्लियर है। तो ये कंपनीज फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जा सकती है। ये फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करना चाहे तो आधे दिन में हो सकता है, 90 डेज प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन है, वन टाइम। ये है फास्ट ट्रैक सीआईआरपी, क्लियर है कंसेप्ट। फिर इसके बाद में आता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया नॉट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, मतलब आप वॉलेंटरी लिक्विडेशन कर रहे हो, किसी को दगा देने के लिए नहीं कर रहे हो, सब क्लियर चल रहा है, क्रेडिटर को सब पैसा मिला हुआ है, आप खुद ही लिक्विडेशन करना चाहते हो, ठीक है। नॉट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, कोई भी डेट पेंडिंग नहीं है, आपकी असेट आपके लाइबिलिटी से ज्यादा है और आप खुद के ड्यूज पे कर सकते हो, मतलब आप टोटली सॉल्वेंट हो, असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है, सबको पेमेंट कर सकते हो। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर्स के लेना है, वैल्यूएशन ऑफ असेट लास्ट 2 ईयर्स के लेना है। इसके हिसाब से अगर आपके कोई डेट नहीं है या असेट आपके लाइबिलिटी से ज्यादा है और आप उसको पे कर सकते हो तो बोर्ड का रिजोल्यूशन पास करो। 4 वीक्स के अंदर जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन पास करो। अब जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन वेराई करता है डिफरेंट सिचुएशन में। पहला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन, सॉरी फर्स्ट सिचुएशन के अंदर अगर मैं हम इसको देखें तो लिक्विडेशन अगर आपको करना है तो ऐसे केसेस में आपको जनरल मीटिंग का पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा बच्चों, बोले एक बार, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर टर्म एक्सपायर हो गया है आपके कंपनी का कि आप स्पेसिफिक टर्म तक के करने वाले हो और स्पेसिफिक टर्म खत्म हो चुका है कंपनी का तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर आप कोई भी इवेंट में, आपने किसी इवेंट के लिए कंपनी बनाई थी कि भाई हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, जब टाउनशिप बन जाएगा तो उसके बाद हम लिक्विडेट कर देंगे कंपनी को, तो जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मतलब आपने बोला कंपनी 5 साल चलेगी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। आप बोला ये टाउनशिप खत्म होने के बाद कंप्लीट करेंगे, ऑर्डिनरी। लेकिन आप इनवॉलेंटरीली वॉलेंटरीली लिक्विडेट करना चाहते हो खुद के मर्जी से, समझ में आ रहा है, ऐसे ही बिना किसी प्रेशर के आपका काम हो चुका है, वॉलेंटरीली लिक्विडेट करना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिक्विडेटर बनाते हुए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और लिक्विडेट करो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिक्विडेटर बन जाएगा, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा स्पेशल और आप लिक्विडेट कर सकते हो। उसके 7 दिन के अंदर क्रेडिटर्स 2/3 मेजोरिटी से, मतलब 66.67%, ये हमने ऑलरेडी देखा था, 7 दिन के अंदर फाइलिंग करेंगे आरओसी और आईबीबीआई को कि क्या उनके सभी क्लेम्स या सभी सिचुएशंस फुलफिल हुए या नहीं हुए। अगर उनके सभी क्लेम सभी सिचुएशन फुलफिल नहीं हुए तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी की तरफ एक्शन लिया जाएगा। यह है बेटा वॉलेंट्री लिक्विडेशन एंड फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक, नीचे लिक्विडेशन, दोनों के स्क्रीनशॉट्स ले लो, गो फॉर इट फास्ट।
फास्ट ट्रैक सीआईआरपी में 330 डेज लगेगा क्या, ये सवाल है बहुत सारे बच्चों का। फास्ट ट्रैक सीआईआरपी के ऊपर डिपार्टमेंट ने कोई भी कमेंट नहीं किया है बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में 330 डेज का एक्सटेंशन टाइम लिमिट आप नॉर्मल सीआईआरपी में लगाओ, दीपिका फास्ट ट्रैक में ना लगाओ तो अच्छा है, नहीं तो फास्ट ट्रैक का सेंस नहीं रहेगा। चलो डन हो गया बच्चों, ये चीज़ को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर मुस्कान जैन वीडियो लिस्ट में है, प्लीज़ सर्च कर लीजिए। पार्टनरशिप फर्म डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप में इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की है, यहाँ पे हम सिर्फ कंपनी और एलएलपी देखते हैं बिकॉज हमको लिमिटेड लाइबिलिटी वाले लोग चाहिए मोहित। और एक क्वेरी एक ही बार पोस्ट करो मोहित, अगर बार बार स्पैम करोगे तो मुझे आपको बेटा हाइड करना पड़ेगा। चलो डन एवरीबडी, ये चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना, नीचे वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी पानी वानी पी लो। हो गया सबका, चलो बहुत बढ़िया। 90% प्रोविजंस, 95% प्रोविजन हमारे आईबीसी के खत्म हुए हैं, लेकिन कुछ मेरे को चेक करना है, अमेंडमेंट में से कोई एरिया छूटा तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट्स की तरफ ध्यान दे दूं। सीए फाइनल अमेंडमेंट्स, लेट मी सी, सेक्शन 7 हो चुका, 25A मैंने राइट्स और इंटरेस्ट ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर में अप्लाई किया है, राइट्स और इंटरेस्ट 25A जिनको चाहिए वो वहां से भी रेफर कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ले लिया है। चल इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, नियरली अमेंडमेंट वाला एरिया भी मैंने कवरअप कर लिया है, यहाँ पे एक 66% वाला रिजोल्यूशन था होल्ड। हाँ इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, ये एक 75% और 66% में काफी सारे बच्चे डिस्प्यूट कर रहे थे, इसको एक बार हम सॉल्व कर दे, क्योंकि मैंने वहां पे लिक्विडेशन के लिए 75% लिखा था और यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन ये पहले 75% था, तो इसको एक बार मैं करेक्ट कर दूँ, ठीक है। वेयर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इंटीमेट्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। देखो वेर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट द टाइम ड्यूरिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बट कंफर्मेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इंटीमेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स अप्रूवल ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ द क्रेडिटर वोटिंग लिक्विडेटर कॉर्पोरेट डेटर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शॉल पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर एज रेफर्ड। तो ये जो हम 75% वाला एरिया लेके गए थे, मैं चाहूंगा उसको एक बार देखना वापस से, होल्ड इसको एक बार रीड कीजिए, मैं इसको कंफर्म करता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक 75% है और एक 66% है, जस्ट मेरे को एक दो मिनट देगा, आई विल जस्ट चेक इट आउट। ओके डन,
सो बेसिकली सेक्शन नंबर 33 में ये चेंज किया है, मेरे को यही लग रहा था इसलिए मैं अमेंडमेंट चेक करने के लिए आया। आ जाइए एक बार, क्योंकि किसी ने तो भी कमेंट के अंदर बहुत बार लिखा था कि सर ये 66% है क्या, 66% है क्या, सो आई हैव टू गो विथ इट। सो आईबीसी में मैंने आपको परसेंटेजेस दिए थे, अभी एक चार्ट दिया था वो भी हम करेक्ट कर ले। ये वाला 75% लिक्विडेशन ऑफ रिजोल्यूशन है, तो अब ये 75% नहीं रहा सेक्शन नंबर 33 सबसेक्शन 2 के अमेंडमेंट के वजह से, इसको करेक्ट कर लो, अमेंडमेंट के वजह से अभी हो चुका है 66%, और 66% की वजह से ये भी इसी का पार्ट हो चुका है। इसको मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट्स नया वाला निकाल लो वरना कंफ्यूजन होगा। सो इसलिए अपन ने गैप लिया था कि जो पढ़ना है वो सही तरीके से पढ़ना है, अमेंडमेंट लेक्चर वापस से देखना चाहिए। तो चलो डन हो गया सबका। सो यहाँ मेजोरिटी ऑफ कंटेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया दीप वगैरह जिसने भी ये बोला, चारुल वर्मा या एनीवन जिसने भी बोला 66%, बहुत बढ़िया, ध्यान है, मतलब सबका सब अमेंडमेंट वगैरह ठीक से देखते हैं। मेरा तो पढ़ा पढ़ा के ऐसा सिचुएशन हुआ है कि इतने परसेंटेजेस और इतनी चीजें याद रखनी है कि कई बार कंफ्यूजन होता है, बट थैंक यू, डोंट वरी। इसलिए लाइव सेशन बहुत जरूरी होता है कि भाई कहीं कुछ निपट रहा हो तो बच्चों को भी पता होता है, वो भी काफी चीजें पढ़ते हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग कि सभी लोग इस चीज के अंदर लगे हुए हैं मेहनत में, बहुत बढ़िया शानदार। बढ़ते हैं आगे, अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि आईबीसी खत्म हो गया, लेकिन आईबीसी अब खत्म नहीं हुआ है, अब मैं असली आईबीसी शुरू करता हूँ। आ जाइए, ये देख रहे हो बोर्ड के ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ, यह है आईबीसी, इसे मैं कहता हूं आईबीसी का मास्टर चार्ट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहले इसके अंदर पूरा आईबीसी वापस एक बार रिवाइज होगा, यहां पे वापस एक बार रिवाइज होगा। समय हुआ है कितने घंटे का लेक्चर हो गया, लेट मी सी, 1 घंटे 30 मिनट का आईबीसी का लेक्चर हुआ है, पर एक बार वापस आईबीसी रिवाइज करेंगे अगले 10 मिनट में, सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट के अंदर आईबीसी डबल रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपने अच्छे तरीके से देखना दिस वन, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखना, देयर इज अ प्रोसेस फॉर सीआईआरपी डिटर्मिनेशन, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, दिस इज अ प्रोसेस फॉर सीआईआरपी एंड दिस इज अ प्रोसेस फॉर लिक्विडेशन। चार्ट अगर ये समझ में आ जाए ना तो खुद के दांत दे देना, थैंक यू बोलना, कमेंट के अंदर लिखना, थम्स अप डालना, लाइक मारना, दो चार लाइक मारना, 15-20 लाइक फेंक के मार देना। देयर इज अ मास्टर चार्ट ऑफ आईबीसी, आईबीसी का 95% प्रोविजन इस चार्ट में खत्म हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट्स के लिए मैं समय दूंगा, नॉर्मली रेगुलर बैच के अंदर मैं ये देता हूँ, वैसे ये शेयर नहीं करता, पर वाला इस बार आप भी याद रखोगे, इस दिलदार से पाला पड़ा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वर्क खुद को करना पड़ेगा, उतना समय मैं नहीं दे पाऊंगा समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया, अनट्रीटेड रहा तो बैंकरप्सी हो जाएगा, कॉर्पोरेट अनट्रीटेड इंसॉल्वेंसी है तो रिजोल्यूशन प्लान में आएगा, सीआईआरपी ट्राई करेंगे, सक्सेस हुआ तो बहुत बढ़िया, अनसक्सेसफुल हुआ तो लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जहां पे ही भी है वहां पे मैं ए मार्क कर रहा हूं, सीआईआरपी जहां पे वहां मैं बी मार्क कर रहा हूं। अब यहां से बी शुरू हो रहा है सीआईआरपी, सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन 90% विड्रॉ कर सकते हैं, एफसी अप्लाई करेगा, इविडेंस देगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, आईआर प्रो अपॉइंट या नॉमिनेट करेगा, एनसीएलटी 14 डेज में एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, 7 डेज करेक्शन के लिए मिलेंगे। मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि दूसरी बार रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए ध्यान देना, 7 डेज करेक्शन के लिए मिलेंगे। आईआर प्रो को हम अपॉइंट करेंगे, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा और कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग लेगा, ओसी अप्लाई करेगा तो डिमांड नोटिस देगा, 10 डेज के अंदर उसको बताना है डिस्प्यूट किया है या पेमेंट मिला है, क्लियर है कंसेप्ट। एप्लीकेशन फिर करेगा एनसीएलटी को, उसके अंदर डिमांड नोटिस, इन्वेस्ट एफिडेविट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट, आईआर प्रो अपॉइंट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है उसी, एनसीएलटी 14 दिन में एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, 7 डेज करेक्शन के लिए मिलेंगे, आईआर प्रो अपॉइंट किया जाएगा, वो सीओसी की मीटिंग लेगा, सीडी अप्लाई कर सकता है, एविडेंस देगा आईयू से और 14 डेज के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, सीडी खुद का इंफॉर्मेशन इंटरव्यू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलेगा, वही सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये टाइमलाइन के ऊपर एप्लीकेशन हो गया। फिर 14 डेज के अंदर जब आईआर प्रो अपॉइंट हो जाएगा और एनसीएलटी आपका क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा, तो अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है एप्लीकेशन तो आईआर प्रो अपॉइंट होगा, मोरेटोरियम शुरू हो जाएगा। कुछ याद आया, वो चार पांच चीजें शुरू होती ना, आईआर प्रो अपॉइंट होगा, मोरेटोरियम शुरू किया जाएगा, पब्लिक नोटिस भी इस सिचुएशन में दिया जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा। सो आईआर प्रो मोरेटोरियम मैं इसमें ऐड कर दूं चाहिए तो थर्ड, यहां लिखता हूं पब्लिक नोटिस, ये भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मोरेटोरियम चलता रहेगा सीआईआरपी कंप्लीट होने तक के, या फिर ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन तक के मोरेटोरियम चलता रहेगा। रिजेक्ट हुआ तो करेक्ट कर सकते हो 7 डेज में, अगर करेक्ट 7 डेज में भी रिजेक्ट हुआ तो ए मतलब लिक्विडेशन की तरफ जाने वाला है। अपॉइंट किया जाएगा इंटरिम रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज ए इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, फिर एफसी सीडी और ओसी, एफसी और सीडी नॉमिनेटेड
ओसी नॉमिनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एफसी ओसीडी ने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया है वो आईआर प्रो बन जाएगा, जिस आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया वो आईआर प्रो बनेगा। ओसी नॉमिनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो ऐसे केसेस में आईबीबीआई नॉमिनेशन दे देगा। 180 डेज तक काउंट किया जाना है, पब्लिक नोटिस आपको देनी पड़ेगी, वो नॉर्मली हम दे देंगे पब्लिक नोटिस फॉर द पर्पज ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज। फिर आईआर प्रो अपॉइंट होने के बाद में नेक्स्ट है, आईआर प्रो अगले अपॉइंट होते से ही 7 डेज के अंदर क्रिएट करेगा कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स कंपनी हैव फाइनेंशियल क्रिएटर, तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रिएटर रहेंगे कमिटी ऑफ क्रिएटर में। कंपनी में फाइनेंशियल क्रिएटर्स नहीं है तो 18 ऑपरेशनल क्रिएटर, एक वर्कमैन एक एम्प्लॉय, 18 ऑपरेशनल क्रिएटर से कम है तो कम कमिटी लोग रहेंगे कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में। रिलेटेड पार्टी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में नहीं रहेगी 66%। ये नॉर्मल रेजोल्यूशन है सीआरपी अप्रूव करने के लिए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने और अभी लिक्विडेशन करने के लिए भी 66% है। बाकी सब रेजोल्यूशन 51% से कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का कोरम 33% रहेगा। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, और अगर नहीं रहा तो नेक्स्ट डे मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। नेक्स्ट डे भी कोई नहीं आया तो जितना है कोरम उतना मान लिया जाएगा। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के बाद में 7 दिन के अंदर, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 7 दिन के अंदर मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, जिसके अंदर 66% से नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा या एक्जिस्टिंग आर प्रो को आर प्रो बनाया जाएगा। फिर कमिटी ऑफ क्रिएटर्स बिजनेस कंडक्ट करेगी, सीआरपी प्रोसेस कैरी करेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करेगी, मैनेजमेंट को टेक ओवर करेगी। आईआर प्रो जो है वो आर प्रो बन जाएगा एंड रिप्लेस कर देगा आर प्रो को, जिसके लिए 66% अप्रूवल लगता है। नेक्स्ट वाली चीज, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्रिएट करेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देने के बाद में कमिटी ऑफ क्रिएटर 66% से उसको अप्रूव करेगी। ये प्लान अप्रूव करने के बाद एनसीएलटी को अप्लाई किया जाएगा। एनसीएलटी ने अप्लाई अप्रूव कर दिया तो आपने रिजोल्यूशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, प्लान इंप्लीमेंट करना है। अगर सक्सेसफुल रहा तो कंटिन्यू करो बिजनेस को, अनसक्सेसफुल रहा तो लिक्विडेशन। ए क्लियर है कॉन्सेप्ट? और अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया स्ट्रेट अवे लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएंगे अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो। फिर ये प्लान के बाद कैसा लग रहा है चार्ट? मजा आ रहा है ना, पूरा एक ही इसके अंदर है। फिर इसके बाद में एनसीएलटी अगर ये प्लान एक्सेप्ट कर लेता है, एनसीएलटी ये प्लान एक्सेप्ट कर लेता है तो 180 डेज प्लस 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी, वहां से लेके कंप्लीट होगा, इंप्लीमेंट करो सीआईआरपी प्रोसेस 180 डेज प्लस 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। सक्सेस हुआ तो कंटिन्यू, रिजेक्ट हुआ तो बेटा लिक्विडेशन। रिजेक्ट हो गया तो ऐसे सिचुएशन में हम लिक्विडेशन प्रोसेस को कैरी करेंगे। हालांकि लास्ट वाला जो एनसीएलटी का है इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिस वन इज ऑलरेडी कवर्ड बिलो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं मतलब कंफ्यूजन ना रहे, ये नीचे मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा। क्लियर है? दिस प्रोसेस इज देयर। क्लियर है? अब ये हो गया सीआरपी इंप्लीमेंटेशन का। अब जितने भी तुम्हारे ए है वो एक जगह पे ला लो। 6 केसेस मैंने बोले थे, कौन से 6 केसेस? अप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, दूसरा प्लान रिजेक्ट हो गया, तीसरा डिले इन फाइलिंग द प्लान, चौथा अगर कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, पांचवा अगर 66% रिजोल्यूशन पास किया कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ने, और सिक्स्थ वाला कि भाई हमने प्लान दिया था इंप्लीमेंटेशन में अनसक्सेसफुल रहा। ये 6 केसेस में, 6 केसेस में, यहां पे मैं 6 केसेस लिख दूं, अच्छा इसमें भी पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर सीआरपी लास्ट 12 मंथ्स टर्म्स ऑफ वायलेशन इन सीआरपी और लिक्विडेशन प्रोसेस में है तो ऑलरेडी, लेकिन 6 केसेस में अगर हम बोले फेल्योर टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, रिजेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, फेल्योर टू इंप्लीमेंट अ प्लान, कमिटी ऑफ क्रिएटर 75% लिक्विडेशन, तो मैं इन सबको मिटाता हूं, इसके जगह पे लिखता हूं बड़े अच्छे तरीके से नया प्लान क्या आता है। आ जाइए, सबसे पहला रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ इवन एप्लीकेशन ऑफ सीआईआरपी, प्रोसेस वाइज जाते हैं। दूसरा रिजेक्शन ऑफ प्लान ऑफ सीआईआरपी, तीसरा डिले इन सबमिशन ऑफ प्लान, चौथा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, पांचवा 66% सीओसी रिजोल्यूशन, और छठवा फेल्यूर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ये 6 केसेस में स्ट्रेट अवे केस बन जाएगा लिक्विडेशन का। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। हालांकि ये जो कंटेंट है ए वाला, इसको मैं यहां से हटा दूं, दिस इज नॉट ए, ये 6 केसेस में, दिस इज ए, ये 6 केसेस में हो जाएगा। ये तो वो केस है जहां पे हम, माई मिस्टेक, ये तो वो केस है
जहाँ पे हम रेजोल्यूशन प्लान के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, होल्ड, दिस विल गो हियर, शानदार। और फिर ये जो है, पहले तो इसको भी हटा दूँ, 1 मिनट का काम है, मतलब अच्छा हो जाएगा, नाइट विल लुक गुड और कंसेप्चुअली भी समझ में आएगा ये बात। चलो, सो ये 6 केसेस में आपका स्टेट अवे लिक्विडेशन हो सकता है, 6 केसेस मैंने अभी के अभी लिखे। फिर एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा लिक्विडेशन का। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही आप लिक्विडेटर करके अपॉइंट कर सकते हो, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज एज सिमिलर असेट्स एंड लाइबिलिटीज को गैदर करेगा, और पावर ड्यूटीज सिमिलर है जो वाइंडिंग अप चैप्टर में दिया है, सेक्शन 275-276 में। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स वो डिसाइड करेगा, कॉस्ट एंड एक्सपेंसिस ऑफ सीआरपी, वर्कमैन 24 मंथ्स वाले, सिक्योर्ड क्रेडिटर, एम्प्लॉइज 12 महीने वाले, सीजी वगैरह के ड्यूज नीचे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यूज पहले, फिर अदर ड्यूज, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी, ये अज्यूम्ड है प्रेफरेंस और इक्विटी। फिर डिसोल्यूशन, कंपनी का डिसोल्व कर दिया जाएगा, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा डिसोल्यूशन को या आरओसी को फाइल कर दिया जाएगा और कंपनी खत्म हो जाएगा। ये पूरा है आपका इंसॉल्वेंसी, सीआईआरपी और लिक्विडेशन। अगर पसंद आया तो नीचे थम्सअप दो। 2 बार, 1 वनडे रिविजन में 2 बार हमने यहां पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है, ठीक है? 2 बार नियरली चैप्टर कंप्लीट किया है, प्लीज इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए। 2 बार, लेट्स गो। YouTube पे सर्च करो मानसी, मॉड्यूल अपडेशन, ये दर्शन खरे मिल जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसके बाद में इसका ले लो, पूरा सीआईआरपी एक जगह पे। एक ब्रेक मत चिल्लाओ, पहले चार्ट कैसा लगा वो बताओ, ब्रेक चिल्ला रहे हैं वहां पे निकम्मे लोग। फिर उसके बाद में आगे ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, मास्टर चार्ट है, आई होप आपको पसंद आया होगा सबको। थैंक यू सो मच, इतना पसंद आया, इतने सारे लोग लाइक ठोको अगर पसंद आया तो, 600 के ऊपर जाने चाहिए लेक्चर के, तभी जाके लेक्चर बंद करूंगा, नहीं तो बंद ही नहीं करूंगा। ओके, फिर लिक्विडेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, किसी के स्क्रीनशॉट मिस कर रहे हैं तो पीछे रिवर्स फॉरवर्ड करके यूट्यूब पे इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए प्लीज प्लीज। 630 लोग हैं, 600 तक लाइक पहुंचा दो। ओके, ये होने के बाद में लिक्विडेशन का ये चार्ट डन, यहाँ पे नियरली 1.5 घंटे में आपका खत्म होता है। दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसका ईयर है 2016। सो अभी मैं चाहूंगा, हम चैप्टर वाइज रिवीजन ले रहे हैं, आईबीसी यहाँ खत्म हुआ तो हम आईबीसी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद में मैं जो लेक्चर लेने वाला हूँ वो है एफसीआरए का। स्ट्रीम मुझे बंद करना पड़ेगा बिकॉज वीडियो सेपरेट करने हैं, फिर वो यूट्यूब के पास फिल्टर होने के लिए जाएंगे, फिर वो हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सो प्लीज स्ट्रीम मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा। सो अभी के लिए इतना काफी करते हैं, हम अभी मिलने वाले हैं। होल्ड, मेरे घड़ी में बजे है 7:45, तो हम अभी शार्प 7:45 हो गए, माँ कसम जिंदगी में 7:45 हुए, पर हम पढ़ेंगे। मेरे को 8 बजे वापस मिलना, चाहे रात लगे कि कुछ भी, मतलब इतना रात नहीं लगेगा, 9 साढ़े 9 तक पढ़ेंगे, 1.5 घंटा एफ सी आर ए कंप्लीट करेंगे। एफ सी आर ए कंप्लीट होने के बाद पीएमएल वगैरह, तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, पीएमएल सर्फेस या वो हम कल भी कर सकते हैं। नियरली आज का 1 डे रिविजन है ये, कल डायरेक्टर्स हम लेने की कोशिश करेंगे, इसके बाद में फिर उसके बाद में हम अदर टॉपिक्स लेने की कोशिश करेंगे। मैं मेरे तरफ से जितना हो सकता है देने की कोशिश करूँ, प्लीज फॉलो द सेम, ठीक है? सो प्लीज गो विद इट। तो 15 मिनट का ब्रेक है, प्लीज कम एट 8 o'clock शार्प, ठीक है?